नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण, मेरे एक मजबूत साथी लड्डा सर, हम आज दोनों मिलके आपका 11वां इको फिजिक्स जो सर ने बनाया है, कल 10वां इको फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टेट का था, वो बच्चों की डिमांड आ रही थी लड्डा सर की थोड़ा पेपर हार्ड किया जाए, तो कल हमने एक पेपर दे के आपको ये बताना चाहा कि हार्ड देने से कोई मतलब निकलता नहीं है, फिर इसलिए दिया ताकि कुछ लोग नेगेटिव मानसिकता भी होते हैं उनका मूड ठीक हो गया। कल टोपर के 360 में से 340 नंबर है, टोपर फिर वही रहता है, तो 8 क्वेश्चन यही चलेगे, 60 में से 5-4 क्वेश्चन तो आप यही चलेगे, फिर भी टोपर जो है पुखराम है, रौनक शर्मा है, मोहित खालिद, मोहम्मद खालिद है, ये सब 12वीं के बच्चे हैं, ये टॉप भी कर रहे हैं। मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखने से पहले हम लोग पेपर जो दे रहे हैं वो ठीक है, आप उसमें अनावश्यक कमेंट्स देके उंगली नहीं करें, और मैं जो मेरे जुड़े बच्चे हैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि पेपर लेवल पे दे दिए, सीएलसी एक पेपर दे दिया आपको कि ऐसे पेपर आने पे आपका बैंड कैसे बजता है, हम नहीं चाहते हमारे बच्चों को किसी प्रकार से बैंड बजे भैया, बस एग्जाम में वही पेपर आएंगे जो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है डीएल। इसलिए आज 11वां पेपर है, टोटल 16 पेपर होने हैं, तो आप पेपर को बहुत आराम से दें, और जो संस्था दे रही है उसमें 360 मार्क्स आने का प्रयास करो, क्योंकि आज के भैया टोपर के 720 नंबर आ रहे हैं, तो 360 आना कोई इम्पॉसिबल नहीं है, और लाने पड़ेंगे, तो एक बार लड़ा सर 720 आना स्टार्ट हो गया ना, तो मार्केट रूप 720 आते ही रहेंगे, ट्रेंड हो गया। शुरू के 5-10 क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मेरे साथी आपसे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है ई और जे में क्या संबंध है, हम सब जानते हैं दोस्तों दो रिलेशन होते हैं, एक होता है ये और एक होता है ये, देखो मैं एक फंडा बताता हूँ आपको, इसका मतलब विशिष्ट प्रतिरोध है, ये विशिष्ट चालकता है, प्रतिरोध है यानी हमारा दुश्मन है, और ये चालकता नहीं दोस्त, फंडा बड़ा काम है, दोस्त को हम रिगार्ड देते हैं जी, जी बोलते हैं, ये हमारे लड्ढा जी दोस्त है, जी कहूंगा तो ये दोस्त है, और दोस्त दुश्मन को उल्टा कहेंगे ई बाई जे, बातों बातों दोनों फोन याद हो गए, दोस्त को जी कहेंगे जे पोनी, दुश्मन को जी नहीं कहेंगे, ये भी किसी एक मैटर का कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट है, तो ई हमेशा जे के समानुपाती है, ये बात की बात की बात हुई होगी। और फिर से याद रखो जी, 1 जून से PYQ 2013 से लेकर 2021 तक को टॉपिक वाइज बाकायदा सीएलसी पहले राष्ट्रीय की तरह ही अपलोड करेगी, 2013 से लेकर 2021 तक के नीट के सारे PYQ को टॉपिक वाइज करके फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बोटनी में 1 जून से शेड्यूल बना के कितने वीडियो रोज दिए जाएंगे, किस टाइम वीडियो दिए जाएंगे, वो सारा आपको बता दिया जाएगा। एक प्रश्न पूरा हो गया, आगे चले भैया, अगला क्वेश्चन देखें, आप सब जानते हो किसी चालक की धारा आई है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का वी है उसी धातु के, परंतु तार के अंतस्थ आयरी को दुगुना कर दिया जाए, धारा 2i कर दी जाए, अनुगमन वेग, तो भैया फॉर्मूला है आई बराबर एन ई ए वी डी, अपना एक पैट कॉन्सेप्ट है कि जो चीज चेंज होती है उसके 1-2 लगा लो, और जो कांस्टेंट है उसके 1-2 नहीं है, लेकिन फॉर्मूले में जो कांस्टेंट उसका आना बहुत जरूरी है, तीन ही फॉर्म चीज होती है, एक को बदलता है, एक को बदलवाता है, और एक को कांस्टेंट करता है। यहां अगला कह रहा है साहब कि पदार्थ वही है, चेंज क्या क्या कर रहा है, आप देखें करंट चेंज कर रहा है, एरिया चेंज कर रहा है, अपन कलर चेंज कर रहे हैं इसका, तो देखो दोस्तों करंट के 1 लगा लो और एरिया के 1 लगा दो, किसका पूछा है, इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग का पूछा है, इसके 1 लगा दो, ये इक्वेशन 1 होगी। अब इक्वेशन 2, आई डी बराबर एन ई ए 2 और वी डी 2, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दे दो, ठीक है डियर, तो आपको इनका रेशियो चाहिए, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए दोनों, ठीक है, थोड़ा सीधा कर दूं, ए 2 ऊपर जाएगा, ए 1 नीचे आएगा, तो आप देखें कि एरिया डबल है और करंट डबल है, दोनों प्रभाव को काट देंगे, वापस आंसर क्या बच जाएगा, वी बच जाएगा, तो दोस्तों इसका फिर क्या आंसर होगा हमारा, वी हो गया। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन 1 बनाएं, इक्वेशन 2 बनाएं, जो बदलता है उसके पीछे 1-2 लगाएं, और कांस्टेंट है उसको रहेगा, एक को 2 से डिवाइड कर दें। मैं फिर से कहना चाहता हूं, इसीलिए आपको हर वीडियो मांगना था क्वेश्चन में, और दोस्तों आप सब जानते हैं कि जैसे इको फिजिक्स खत्म हो जाएगा उसके तुरंत बाद हमारा स्टार्ट होगा DCM डेली का मेजर टेस्ट, सोमवार से लेकर शनिवार तक टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, और संडे को मेजर, मेजर का मतलब नजर में क्लियर कर दो बच्चों को, पूरा सिलेबस आएगा नीट का, वो 6 टॉपिक नहीं, पूरा नीट का सिलेबस आएगा, और उसके बाद हमारे दंगल होते हैं, लास्ट ईयर के रिजल्ट भी कल के सॉल्यूशन में जगदीश अपन उन बच्चों की मार्कशीट दिखाएंगे कि पिछले बार ये स्कोर टेस्टों में था और एग्जाम ये स्कोर आया। फिर से कहता हूं कल इलेक्ट्रोस्टेट का एक बकवास पेपर देके हमने उनका कीड़ा खत्म कर दिया जो बिना मतलब परेशान रहते हैं, इसलिए जो सीएलसी के साथ रिजल्ट में जुड़ा बच्चा बेटा जी जिसको अपना रिजल्ट करेक्ट करना हो हमारी बात माने, बाकी आपकी इच्छा है। आगे चले,
एक वायर में करंट बह रही थी, समय 0 से 2 सेकंड में तार में आवेश की मात्रा। देखो दोस्तों यहाँ एक शानदार सा इंटीग्रेशन काम आएगा। देखो आई इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। जब भी किसी चीजों का किसी रेंज के बीच जोड़ करना होता है एक ही रास्ता है कौन, इंटीग्रेशन समाकलन। आ जाओ डी, तो डी क्यू बराबर क्या है आई डी टी। लो भैया इसको आप इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां, 0 से Q तक, कहां से कहां, T1 से D2 तक, क्यों जुड़ा सर, बिल्कुल सही कर रहा हूं, बिल्कुल T1 से D2 तक कर दो। आ जाओ जी, तो ये यहां पर 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा Q, और कहां से कहां, 0 से Q। अब ये T1 से I क्या है, तो एक बार पढ़ फिर लिख रहे इसको, ये आपका T1 कितना भैया 0, T2 कितना है 2, I कितना भाई मेरे 3T2 +2T+5 और इसका dt के साथ समाकलन। आपको देखें 3t2 क्या हो जाएगा भैया, ये इंटीग्रेशन जानते हैं भैया, t2 क्या होगा t3/3, 2t क्या होगा, वो दोनों के बाद काम ले रहे हैं, 2/2, ये आपका क्या हो गया भैया 5t। कहां से कहां मत मित्र, 0 से 2 तक, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब आप देखो इसमें 2 फुट तो 8 आएगा, ये 4 आएगा, ये 10 आएगा, जोड़ दो 22, तो जोड़ दो 22, आंसर आ गया आपका। ये एग्जाम में तो ये आता है। इस वीडियो को जो बच्चे देख रहे हैं, यदि आप वाकई नीट के स्टूडेंट देख रहे हो तो हम जो कह रहे उसको फॉलो करें, ठीक है डियर। ये बेस्ट क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। आज का टॉपिक है करंट और कैपेसिटर। अब आप देखो इतने मीटर लंबे वायर है, इतना पोटेंशियल लगा दिया, इलेक्ट्रॉन अपॉन वेग ये है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये है, तो ये सब दिखते ही हमें दिमाग में क्या आएगा, आई बराबर एन ई ए वी डी, V equal to क्या होता है IR, तो I equal to क्या है V upon R, तो N E A V D, और R का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, R क्या होता है rho L upon A, इन सब को पुट कर लेंगे, ठीक है पुट करते हैं लोग, तो V upon R, तो R क्या भैया rho L upon A, इधर कौन है भाई मेरे N E A V D, तो भाई देखो A से A कैंसिल आउट कर दो, हमें क्या निकालना है भाई मेरे प्रतिरोधता, रो निकालना है, क्यों, तो रो को ऊपर लेके जाए, रो इधर लेके जाएंगे तो V ऊपर है, N नीचे आएगा, E नीचे आएगा, VD नीचे आएगा, L नीचे आएगा, N नीचे आएगा, E नीचे आएगा, VD नीचे आएगा और L। अब देख भाई मेरे ये L है ना, थोड़ा सा मैं मेरे को बोर्ड पे कई दिन हो गए आए हुए। अब देखो V पोटेंशियल कितना है 5, N कितना है डेंसिटी 8 × 10^28, E पंजाब के 4 इलेक्ट्रॉन, VD कितना है 2.5 − 4, L कितना है 0.1, इन सब की वैल्यू पुट कर लो, गुणा भाग प्रवेश क्यों करें, तो चौथे का आंसर क्या आ रहा भैया 4, ये लो जी आंसर आ गया। तो सारा खेल किसका फॉर्मूले का है, नीट दो ही चीजों का है, फॉर्मूला बेस्ड और प्रैक्टिस बेस्ड। तो फॉर्मूला आपके पास हो, प्रैक्टिस आपके पास हो, नीट बहुत इजी। आगे चले भैया जी, पीछे है वो पढ़ा सर, ये देखो वो कहता है कि अक्रॉस सिमेट्री कंडक्टर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड द क्वांटिटी व्हिच रिमेन कांस्टेंट अलोंग द, भाई देखो वायर कैसा ही हो, जैसे 2 ओम का आ गया, ये 2 ओम का मान लो, ये 3 ओम का मान लो, 6 ओम का, मतलब मोटा पतला है बट सप्लाई सेम है, तो सीरीज में करंट अलग अलग नहीं हो सकती। तो अगला क्या कहता है, तो कौन सी राशि अपरिवर्तित है, एक ही राशि करंट है, बाकी सब चेंज होता रहेगा, क्योंकि सीरीज में 2 ओम 4 ओम 6 ओम 12 कुछ भी लगाओ चाहिए करंट चेंज नहीं होती है। फिर वापस वो क्वेश्चन आ गया, आपने बहुत अच्छा पेपर दिया है, ये पेपर हमारे साथी का है, बहुत अच्छा पेपर है, कल पेपर केसर का था, उनको मैं जानबूझ कहा था, मैंने कहा क्वेश्चन डालो, कि कुछ लोग क्या थोड़ा सा नेगेटिव बायस में काम कर रहे थे, और मैं मेरा काम है नेगेटिविटी को पॉजिटिव चेंज करना। तो ठीक है, अब हमारे साथी लड्डा जी आपको आगे क्वेश्चन कराते जाएंगे, तो कल फिर मिलते हैं, और आप अच्छा करें, बढ़िया करें, सीएलसी के सारे टेस्टों को आप दोगे, इतने टेस्ट दुनिया कोई कोचिंग नहीं कराती है, और इसीलिए दोस्तों सीकर को हम इंडिया के मैप पे ला पाए। एक वो संस्था जो सीकर से 5 बच्चा दिल्ली एम्स भेजा, जिसमें सीकर को कल्पना नहीं कर सकता। अब लड़ा जी हमारे साथ ही करवाएंगे, और ये वीडियो आप देखें, एंजॉय करें। आज तारीख आज 3 मई, हम तो भैया 3 मई को आज शाम को ठीक 7 बजे बच्चों मूवी दिखा रहे हैं, मॉडर्न मूवी, ताकि बच्चों को सिखाया जाए कि 200 योद्धा मॉडर्न मूवी, आप जानते हो रियल कहानी है, 200 लड़ाकू लड़े थे पाकिस्तान से, तो हमें हमारे लड़ाकों को सिखाएंगे लड़ा कैसे है पाकिस्तान, मतलब दुष्ट आत्मा से, दुष्ट लोगों से कैसे लड़ा जाए, उन लड़के लिए आज मूवी दिखाई जाएगी, बात होगी, सेशन एंड हो रहा है, अपना बड़ा शानदार, जो कहते हैं बहुत खुशी हो रही है, कंप्लीट सिलेबस बिना छोटा किया, बिना कंप्रेस किए कंप्लीट सिलेबस हम लोग 10 मई को पूरा कर देंगे, उससे पहले 14 मई थी, आप कितनी क्लास बाकी नहीं है, दो क्लास बाकी है फिजिक्स में, तो 10 मई को कंप्लीट सिलेबस हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट की खास बात यह है कि अंत भला सब भला,
सिलेबस ढंग से पूरा एंड हम लोगों किया। ओके डियर, एंजॉय करें। बड़ा सर मैं चलता हूं, आप अपना काम कंटिन्यू रखें। थैंक यू डियर। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपको एक वायर दिया हुआ है, वायर बी, इसकी जो है विशिष्ट प्रतिरोध ए से दुगना है। तो वायर बी का जो विशिष्ट प्रतिरोध ए से दुगना है, और ये जो है वायर बी जो है ये सिलेंड्रिकल शेप का है और इसका व्यास ए से दुगना है, इनके प्रतिरोध समान हो तब इनकी लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। तो बेसिकली आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें रेजिस्टिविटी ऑफ बी, बी वायर की रेजिस्टिविटी जो है ए से दुगनी दी हुई। यहां पर आपको जो बेलनाकार तार है बी, उसका व्यास ए से दुगना, यानी कि त्रिज्या भी दुगनी होगी, तो रेडियस ऑफ बी जो है वो 2 times होगी रेडियस ऑफ ए होगी। अब यहां पर बोला इनके प्रतिरोध समान है, दोनों के प्रतिरोध समान है, तो प्रतिरोध जो होता है आर इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए, मींस रो एल अपॉन ए मतलब पाई आर स्क्वायर। अब जब दोनों का प्रतिरोध समान है तो हम यहां पर दोनों के लिए वैल्यू इक्वल कर देते हैं, तो ये रो ए एल ए अपॉन पाई आर ए स्क्वायर, ये रो बी एल बी अपॉन पाई आर बी स्क्वायर, पाई कैंसिल। अब हम यहां पे रो बी और आर बी की वैल्यूज के अंदर रख देते हैं, तो रो ए एल ए आर ए स्क्वायर, रो बी, रो बी कितना है आपका 2 times ऑफ रो ए, एल बी हमें ज्ञात करना है ये रेशियो, आर बी कितना है 2 times यानी कि 4 r a स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये रो ए कैंसिल हो गया, ये 2 से इससे कैंसिल हो गया। हमसे पूछा गया है एल बी अपॉन एल ए, तो एल बी अपॉन एल ए या आ गया 2:1, एल बी अपॉन एल ए रीअरेंज करेंगे तो 2:1, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको एक वायर दिया हुआ है, इसको आप धीरे से खींचते हैं और इसको 10% तक खींचा जाता है, मींस इसको स्ट्रेच किया जाता है 10% तक, तो इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा और इसकी जो नई जो रेजिस्टिविटी होगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो कितना हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आप किसी भी तार को स्ट्रेचिंग करते हैं, लेंथ इंक्रीज होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, लेकिन जो रेजिस्टिविटी यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध वो तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, वो तो वही रहेगा, तो यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध तो आपका परिवर्तित ही नहीं रहेगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध आपका समान रहेगा, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध चेंज नहीं होगा। अब देखिए हमें पता है रेजिस्टेंस के लिए रिलेशन होता है आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, आप लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, ए आपका लेंथ इंक्रीज होगा, ए डिक्रीज होगा, लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, आप इसको वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट कर लें, तो एल से ऊपर और नीचे आपने मल्टीप्लाई किया, तो आर इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर और ए मल्टीप्लाई बाय एल क्या हो गया, ये वॉल्यूम हो गया जो कि कांस्टेंट रहेगा, तो अल्टीमेट आर रो कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट आर इज प्रोपोर्शनल क्या हो गया एल स्क्वायर हो गया। अब इनिशियल इसकी जो रेजिस्टेंस है वो आपकी R is proportional L square, तो इसकी initial length है L square, initial length L है, तो R is proportional L square होगा। अब आप इसको 10% extend कर रहे हैं, तो अब इसका जो resistance होगा R dash, वो new length हो जाएगी 1.1 L whole square, so R dash proportional 1.21 L square। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये equation 2। अब कितना increase होगा? तो मैं पता है percentage change में R dash minus R upon initial R, ठीक है? फ्रैक्शन पूछा है तो फ्रैक्शन में आपको ये आर डैश माइनस आर अपॉन आर कितना टाइम्स होगा, तो आर डैश 1.21 एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.21 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 0.21 से इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका आर डैश जो हो गया पहले का कितना हो गया 1.21 टाइम्स हो जाएगा, इंक्रीज कितना होगा 21%, ठीक है? तो ये 21% इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या क्वेश्चन गिवन है, एक वायर है, ठीक है? इस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो गिवन है आपको 12 ओम पर मीटर रेजिस्टेंस गिवन है, और इसको आपने एक सर्कुलर फॉर्म में मोड़ रखा है, इसको बेंड किया हुआ है, इसकी जो रेडियस है वो रेडियस है 10 cm, इसकी ये रेडियस गिवन है।
आपने इसको एक सर्कल की फॉर्म में बेंड किया होगा। अब इसके जो अपोजिट एंड है, डायमीटर के कोई दो अपोजिट एंड है ए और बी, इसके अक्रॉस इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ए बी के अपर पार्ट और लोअर पार्ट का हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो अपर पार्ट का रेजिस्टेंस आर वन, आपको यहाँ पे 12 ओम पर मीटर गिवन है, तो 12 ओम पर मीटर, तो इसकी जो लेंथ होगी ये होगी पाई आर, आर की वैल्यू आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। ये नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है आर टू, उसकी भी वैल्यू इतनी होगी 12 पाई आर होगा। अब ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में अक्रॉस ए एंड बी, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, यानी कि 12 पाई आर का हाफ हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 6 पाई आर हो गया। 6 पाई आर की वैल्यू कितनी दी हुई सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 0.1 मीटर हो जाएगा। तो ये 0.6 पाई, ये आपका होगा 0.6 पाई ओम हो जाएगा। तो ये जो लेंथ है सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, ये 12 ओम पर मीटर गिवन है, इससे आपने मल्टीप्लाई किया इस तरह से, ये रेजिस्टेंस ऊपर वाले पार्ट का इतना रेजिस्टेंस नीचे वाले का, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सर्किट गिवन है, इस सर्किट में पैरेलल में कनेक्शन, पैरेलल में 10 15 और 30 ओम रेजिस्टेंस गिवन है, और इस सर्किट के अंदर 1.2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। आपको फाइंड आउट करना है कि 15 ओम रेजिस्टेंस से, 15 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा, आई टू में फाइंड आउट करना। तो देखिए ये 15 और ये 10 और 30, ये भी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये तो हो गया 15 ओम, 15 ओम से I2 करंट फ्लो। अब 10 और 30 पैरेलल में है, तो इनका R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 10 प्लस 30 40, ये 30 अपॉन 4 मींस 7.5 हो गया। तो I1 प्लस I3 जिस रेजिस्टेंस से फ्लो हो रही है वो है आपकी 7.5 ओम, और ये I1 प्लस I3 ये हो गया। अब यहां पर जो करंट आ रही है वो आ रही है 1.2 एम्पियर, यहां से भी 1.2 एम्पियर, दोनों रेजिस्टेंस 15 और 7.5 दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो यहां पर जो करंट होगा भाई, पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है, V इक्वल्स टू IR होता है, V इक्वल्स टू IR, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम होगी। तो ये 2:1 में है तो 1:2 जाएगा, तो 1 पार्ट इसमें जाएगा 2 पार्ट इसमें जाएगा, आपसे इसका पूछा, तो ये 1 पार्ट इसमें 2 पार्ट इसमें, मींस इसमें जाएगा टोटल का 1.2 का, तो ये आपका हो गया 0.4 एम्पियर। तो इस वाले पार्ट में जो I2 जाएगी वो होगी 0.4 एम्पियर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको गिवन है सर्किट में इस एमीटर की क्या रीडिंग होगी, हमें ये रीडिंग बतानी है। तो 2 2 2 2 ये 4 रेजिस्टेंस है। अब देखो यहां से कोई करंट आएगा, ये करंट आएगा, तो ये यहां आने के बाद इसमें 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 तीनों में डिवाइड हो रहा है, यानी कि तीनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आप इसको इस तरह से री राइट कर सकते हैं, ये 2 ओम, ये बैटरी, ये अमीटर, ये 2 ओम प्लस माइनस, ये 2 वोल्ट, ये अमीटर। अब ये 2 2 और 2 ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इन तीनों का 2/3 हो जाएगा, तो ये 2/3 हो गया। अब 2 और 2/3 किसमें कनेक्टेड हो गए, सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 + 2/3, तो 6 + 2 = 8/3, ये आर इक्विवेलेंट हो गया। तो जो करंट यहां से फ्लो होगा आई, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, V कितना है 2 और R इक्विवेलेंट कितना है 8/3, ये 4, तो क्या आएगा 3/4, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, आपको ये एक सर्किट गिवन है, यहां से 2 एम्पीयर करंट इस सर्किट में आएगी, ये 2 3 3 2 करंट यहां पर आएगी, तो इस पॉइंट पे डिवाइड होगी और यहां पे वापस मिले, देख रहे हैं आप इस वाली ब्रांच में 2 + 3 = 5, ये 3 + 2 = 5, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, 2 + 3 यानी कि 5 और 5 दोनों पैरेलल में, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा
तो यहाँ पर रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी सेम डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो 1 एम्पियर इस तरफ जाएगा और 1 एम्पियर इस तरफ जाएगा, 1 एम्पियर इस तरफ से, 1 एम्पियर इस तरफ से। हमेशा जो करंट होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो ये प्लस टू माइनस और इधर भी ये प्लस टू माइनस। आपको क्या फाइंड आउट करना है, वी ए माइनस वी बी क्या होगा, तो इसमें वी ए माइनस वी बी फाइंड आउट करना है। तो आप ऐसे बी तक मूव करें इस सर्किट में, तो सबसे पहले ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखें, वी ए माइनस से प्लस, प्लस आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई 2 1 मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस से माइनस तो माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 1 मल्टीप्लाई बाई 3, माइनस से प्लस तो प्लस, ए से बी पे डी पे आ रहे हैं तो माइनस से प्लस प्लस, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब हम आ रहे हैं प्लस से माइनस, तो माइनस 1 बाई 3, और कहां पर पहुंच गए हम बी पर, तो दैट इक्वल्स टू वी बी। अब वी ए माइनस वी बी करेंगे तो ये उस तरफ जाएगा, तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये सर्किट गिवन है, सर्किट का पार्ट गिवन है, आपको ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है करंट हाई टू लो पोटेंशियल जाती, तो ये प्लस ये माइनस, ये आपका प्लस माइनस है, बैटरी के अगेंस्ट, बैटरी के अक्रॉस, इधर प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, फिर इधर आएगा प्लस माइनस। आपको वी ए माइनस वी बी लगाएं, के वी एल, वी ए प्लस से माइनस तो माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 2 मल्टीप्लाई बाई 6, प्लस से माइनस तो माइनस 12, प्लस से माइनस तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 9, माइनस से प्लस तो प्लस 4, प्लस से माइनस तो माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इक्वल्स टू वी बी। सो वी ए माइनस 12 माइनस 12 माइनस 18 प्लस 4 माइनस 10 इक्वल्स टू वी बी। ये आपके इसको रीअरेंज करेंगे तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 48 वोल्ट आएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दो वायर दिए हुए हैं जिनकी लंबाई समान है और इनका व्यास समान है, इनकी प्रतिरोधकता यानी कि इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो भी इक्वल है। अब इन दोनों को आपने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोधकता होगी, यानी कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी क्या होगी, ये ज्ञात करना। देखिए भाई, ये दो वायर, ये दोनों वायर सेम लेंथ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, इसकी रेजिस्टिविटी रो वन, इसकी रो टू है, इसका रेजिस्टेंस आर वन, इसका रेजिस्टेंस आर टू, सीरीज में कनेक्ट है तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर वन प्लस आर टू, आर वन रो वन लेंथ सेम एरिया सेम, रो टू लेंथ सेम एरिया सेम। अब इसका पूरे का आर इक्विवेलेंट, इस पूरे को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट रो इक्विवेलेंट इक्वल्स टू लेंथ कितनी होगी, एल प्लस एल, 2l अपॉन a, आप l अपॉन a कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो रो इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट में आपको ये एक सर्किट गिवन है, इसमें पूछा है ये इस वाली ब्रांच में जो करंट आई है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए, ये यहां से करंट आ रही है, इस पॉइंट पर आके ये डिवाइड होगी, ये करंट ऐसे जा रही और ये ऐसे आ रही, तो ये दोनों जो है ये वाला और ये वाला दोनों किसमें कनेक्टेड है, ये यहां पर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम इसको इन दोनों को पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो इक्विवेलेंट कितना होगा, इक्विवेलेंट इन दोनों का, तो ये होता है हमारे पास रिलेशन E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, दोनों की पॉजिटिव पोलरिटी एक ही तरफ है, इसलिए E1R2 प्लस E2R1, E1R2 तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 2 एंड 2, ये हो गया आपका 2 प्लस 2, तो ये 8 अपॉन 4 2 आ गया, 2 वोल्ट आ गया। अब ये 2 और ये 2 ये किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, स्मॉल R इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो ये आपका 1। अब ये पूरा सिस्टम है, ये जो दोनों बैटरी और ये
इसके साथ किसमें आ गए, सीरीज में आ गए। तो पूरे सिस्टम का आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, टू ये, और इन दोनों का इक्विवेलेंट वन, तो टू प्लस वन ये थ्री हो गया। और यहां पर ये वाला और जो इन दोनों का इक्विवेलेंट आया है ये वाला, इन दोनों के कारण एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, तो ई नेट जो हो जाएगा वो टू वोल्ट ये वाला, और इनका इक्विवेलेंट आया टू वोल्ट, ये हो जाएगा फोर वोल्ट। तो यहां पर करंट होगा आई इक्वल टू ई नेट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ई नेट कितना हो गया 4 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट कितना है 3, तो ये आ गया 4 बाई 3 एम्पियर, मींस 1.33 एम्पियर। नेक्स्ट देखिए, आपको ये एक सर्किट गिवन है और पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी पॉइंट के अक्रॉस फाइंड आउट करें, ठीक है। तो इस ए और बी के अक्रॉस जो है आर इक्विवेलेंट कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो है 5/10, 10/20, ये आपका वीट स्टोन ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये वाला बेकार हो गया। 10/15, 20/30 ये भी बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये भी आपका बेकार हो गया, इनको डालो। अब 5, 10 और 15 किसमें आ गए, सीरीज में। 10, 20, 30 ये भी किसमें आ गए, सीरीज में। ये आपस में ए और बी के अक्रॉस किसमें आ गए, पैरेलल में। तो ये आर इक्विवेलेंट कितना होगा 5, 10, 15, 30, 10, 20, 30, 60 अपॉन 30+16, 90, तो ये 20 ओम आ गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये एक सर्किट गिवन है 8 वोल्ट बैटरी, 5 ओम, 1 ओम, और ये यहां पर आपने अर्थिंग की हुई है। आपसे पूछा है इस पॉइंट ई का पोटेंशियल कितना होगा, तो भाई जहां पर पोटेंशियल, जहां पर अर्थिंग की होती है वहां पर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। चलिए अब करंट इसमें ऐसे आएगा, हाई करंट ऐसे फ्लो, तो ये प्लस टू माइनस करंट हाई टू लो पोटेंशियल, ये ऐसे आएगा, इस पे भी प्लस टू माइनस ऐसे आएगा। आप सबसे पहले आई कैलकुलेट करें, तो आई इक्वल्स टू ई नेट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ई कितना है 8, आर इक्विवेलेंट कितना है 5+1, 6, तो ये 4/3 एम्पीयर आया। अब आप ई पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो ई टू सी चलें, सी पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो ई पॉइंट से चलें, तो वी ई माइनस से प्लस, तो प्लस करंट कितना है 4/3 और रेजिस्टेंस कितना है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 इक्वल्स टू कहां बोलते हम सी पर, इसका पोटेंशियल हो गया 0, तो वी ई इक्वल्स टू हो रहा है -4/3 वोल्ट। तो यार राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, -4/3 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये कॉम्प्लिकेटेड सिमेट्रिकल सर्किट गिवन है, आपको इस ए और आई के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है जब भी कॉम्प्लिकेटेड सिमेट्रिकल सर्किट होता है आप इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इसके परपेंडिकुलर इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो ये वाला है दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगे, बेकार। अब यहां पर इनको अलग अलग करते हैं, तो देखो ये 2 और 2, ये 2 और 2, ये 1 और 2 सीरीज में, ये 1 और ये 2 और 2 सीरीज में, तो यहां पर इन दोनों का 2 और 2 किसमें आ गया, पैरेलल में, तो इनका 1 हो गया, इन दोनों का भी 2 और 2 1 हो गया, तो ये आपके 2 और 2 सीरीज में, तो ये हो गया आपका 4, ये 2 2 1 2 2 1, लेकिन आपस में सीरीज में, तो 1 एंड 1 2 हो गया, तो ये 2 हो गया। ये सेम इसी तरह से ये 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो ये 4 हो गया। आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4+1/2+1/4, तो 1/4, 1/2+1/4 ये 1/1, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 आ गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। देखिए नेक्स्ट है, आपको ये 5 एक समान चालकों से निर्मित ये परिपथ दिया हुआ है। अब यहां पर ये कोई आपने इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो इससे पहले इस ए पॉइंट और ये बी पॉइंट मान लो, इनके अक्रॉस प्रतिरोध कितना होगा वो मैं निकालना, और अगर मैं यहां पर ऐसी सेम 1 ओम की छड़ जोड़ देता हूं, चालक रोड लगा देता हूं, तब प्रतिरोध कितना होगा, इन दोनों का अनुपात निकाल। तो भाई जब पहले नहीं कनेक्ट किया हुआ है, तो 1 1 1 1 1 ये सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनिशियली आर इक्विवेलेंट कितना है 5। अब जैसे ही आपने ये 1 ओम और 1 ओम के यहां कनेक्ट किया, ये क्या बन गया आपका, बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज बन गया।
तो ये 1/1 = 1/1 ये बेकार हो गया। 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 और 2 तो 2 और 2 पैरेलल में कितना हो गया 1, तो 1 1 1 3 हो गया। तो ये बात का जो है इक्विवेलेंट कितना आएगा, पहले तो 5 बाद में 3, तो ये आंसर हो जाएगा 5/3 ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए, आपको समान व्यास के दो तार दिए हैं, सेम रेडियस के, सेम डायमीटर के, इनकी आपको रेजिस्टिविटी जो गिवन है वो इक्वल गिवन है, रो वन और रो टू। इनकी जो लेंथ है L1 और L2 गिवन है, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, तो आपको फाइंड आउट करना है इस संयुक्त की तुल्य प्रतिरोधकता क्या होगी। तो ये ऐसा क्वेश्चन, अगर आपको दो वायर अलग अलग लेंथ के गिवन हो, ये L1 ये L2 दोनों की लेंथ अलग अलग है और इनकी रेजिस्टिविटी रो वन और रो टू गिवन है, एरिया सेम दिया हुआ है, तो ये आपके R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 + R2। अब R इक्विवेलेंट R1 + R2 ये होता है रो वन, लेंथ होगी इसकी L1/A प्लस रो टू, लेंथ होगी L2/A। अब R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इस पूरे को हम एक ऐसे कंडक्टर से रिप्लेस करें जिसका रेजिस्टिविटी रो इक्विवेलेंट है, लेंथ कितनी हो जाएगी L1 + L2, एरिया उतना ही रहेगा, तो रो वन L1/A प्लस रो टू L2/A, ए कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो रो इक्विवेलेंट क्या आएगा, रो वन L1 प्लस रो टू L2/L1 + L2, तो रो वन L1 प्लस रो टू L2/L1 + L2 ऑप्शन 1 राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये एक सर्किट गिवन है, आपको इस सर्किट में ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो ये आपको जो सर्किट गिवन है इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, तो पोटेंशियल मार्किंग टेक्निक से हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये आपका सी पोटेंशियल पॉइंट, तो यहां से यहां तक भी ये भी सी पोटेंशियल पॉइंट, ये आपका डी पोटेंशियल पॉइंट, तो ये भी आपका डी पोटेंशियल पॉइंट। आप ए और बी इन दोनों के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है और सी और डी इन बिटवीन होगा। ए और सी के अक्रॉस 1 ओम, ये 1 ओम होगा। सी और डी, सी और डी और सी और डी के अक्रॉस ये 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएंगे, ये 1 1 1 के होगा। और यहां पर ये डी और बी के अक्रॉस एक और आ जाएगा, तो ये डी और बी के अक्रॉस 1 आ जाएगा। ये 1 1 1 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया 1/3 हो गया, तो ये हो गया 1, ये 1/3, ये 1, तो ये ए और बी के अक्रॉस 2 + 1/3 यानी कि 2:1/3 आंसर हो गया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि विद्युत वाहक बल E की एक बैटरी को R1 तथा R2 बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर क्रमशः I1 और I2 धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी का अंतिम प्रतिरोध होगा। भाई आपको दिया हुआ है एक बैटरी है जिसका EMF आपको E1 गिवन है, ये बैटरी है, ये बैटरी का EMF है E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको R गिवन है, ये फाइंड आउट करना, ये E और R। जब इसको आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 से कनेक्ट करते हैं, तो यहां पर इसके अंदर करंट है I1, और जब आप इसी बैटरी को, सेम बैटरी को R2 रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, तो करंट I2 है, तो आपको इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इस रिलेशन में आपके जो I1 होगा, इस वाले रिलेशन में I1 वो होता है E/R इक्विवेलेंट R1 + R, इस वाले में I2 जो होगा वो E/R2 + R हो जाएगा। दोनों से क्या इक्वल है, इक्वल है, तो दोनों से EMF को इक्वल कर दो, तो I1 R1 + r = I2 R2 + r, इसको रीअरेंज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो I1 R1 + I2 R2 + I2 R, ये I1 R1 - ये इस तरफ आएगा, तो I2 R2 / I2 - I1, I1 R1 - I2 R2 / I2 - I1, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल दिया हुआ E और आंतरिक प्रतिरोध R के टर्मिनलों पर विभवांतर V के सेल से बाह्य प्रतिरोध में चल रही धारा I से संबंध जानने के लिए V और I के बीच ग्राफ बनाता है, तो इस ग्राफ की प्रवणता और अंतःखंडों में, भाई आपको दिया हुआ है एक बैटरी है, इसका EMF है E और R, आप इससे करंट एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में फ्लो कर रहे हैं I, तो इस सेल के जो सिरों पर जो TPD टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज V, ये होता है E माइनस आई आर, जब डिस्चार्ज होता है तो E माइनस आई आर और चार्जिंग हो रही होती है तो E प्लस आई आर, यहां डिस्चार्ज हो रहा है तो E माइनस आई आर, तो V इक्वल्स टू आपको ग्राफ V और I के बीच में तो माइनस आर ये I प्लस E, तो आप देखते हैं इसमें जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी V और I के बीच में उसमें जो स्लोप हो गया वो तो हो गया माइनस आर और इंटरसेप्ट यानी कि अंतखंड हो गया E, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू माइनस आर और E। देखिए आपको एक सर्किट गिवन है, इस सर्किट में इस 2 ओम से कितना करंट फ्लो होगा ये बता, तो देखिए ये एक लूप क्लोज लूप, ये एक क्लोज लूप, हमें पता है जो करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी वापस वही करंट उसमें फ्लो होगी, तो यहां से ये I1 आई तो ये I1 इधर से जाएगी जाएगी, ये I2 यहां से तो ये I2 इधर आएगी आएगी, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसके अंदर करंट कितना होगा, जीरो होगा, शून्य होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेल से ली गई अधिकतम शक्ति, यहां R आंतरिक प्रतिरोध M E विद्युत वाहक बल, तो भाई शक्ति जो होती है P जो होता है I स्क्वायर और R जो है बाह्य प्रतिरोध है R, इस पे शक्ति निकाल, तो P इक्वल्स टू I ये होता है E अपॉन बाह्य प्रतिरोध R आंतरिक प्रतिरोध स्क्वायर R। अब देखो अधिकतम शक्ति की कंडीशन होती है कि जब आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध बराबर होता है तो अधिकतम शक्ति होती है, तो P मैक्सिमम जो होगी उसमें E स्क्वायर, आप कैपिटल R की जगह स्मॉल R रखें तो ये आपका 4R स्क्वायर, कैपिटल R की जगह स्मॉल R या तो ये होगा E स्क्वायर अपॉन 4R, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थिर विद्युत वाहक बल का सेल पहले R1 प्रतिरोध के सिरों पर जुड़ा है, इसके बाद R2 के सिरों पर जोड़ दिया जाता है, तो दोनों स्थितियों में प्रदाय शक्ति समान हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। देखिए आपको एक विद्युत वाहक बल ये E R1 इसका आंतरिक प्रतिरोध, इसे आप यहां पर एक बाह्य प्रतिरोध R1 से आपने जोड़ा, ठीक है, फिर बाद में दूसरी वाली स्थिति में सेल वही रखा प्रतिरोध R2 बढ़ दिया, तो दोनों स्थितियों में शक्ति समान हो तो जो शक्ति होती है यहां से अगर धारा I है तो ये होती है I स्क्वायर R, तो ये I कितना होता है E अपॉन R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट यानी कि कैपिटल R प्लस स्मॉल R ये R हो I वास, तो P इक्वल्स टू I स्क्वायर अपॉन R E EMF R प्लस स्मॉल R होल स्क्वायर R होगा। अब देखो दोनों केस में ये बोल रहा है शक्ति समान हो तो हम दोनों शक्ति समान कर देते हैं, तो दोनों में E स्क्वायर अपॉन ये R1 प्लस स्मॉल R का होल स्क्वायर R1, दूसरे वाले में भी E तो वही रहेगा E स्क्वायर R2 अपॉन R2 प्लस स्मॉल R का होल स्क्वायर, E स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया R2 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 2R2 R, ये इसको यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे हम R2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये R1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2R1 R और ये R2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई एक और स्टेप कर लेते हैं, तो ये आपके R2 स्क्वायर ये R1 है यहां पर, तो ये R2 स्क्वायर R1 R स्क्वायर R1 प्लस 2R1 R2 स्मॉल R, ये आपके हो गया R1 स्क्वायर R2 R2 R स्क्वायर प्लस 2R1 R2 स्मॉल R, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, आप इन दोनों को कैंसिल करने के बाद इसको रीअरेंज करते हैं, तो रीअरेंज करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास रिलेशन आता है R स्क्वायर इक्वल्स टू R1 R2, तो R इक्वल्स टू हो जाता है रूट R1 R2।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो गिवन है 60 ओम। अब इसमें फुल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट गिवन है वो है 1 एम्पियर, मींस आईजी की वैल्यू है 1 एम्पियर। अब यहां पर इसे 5 एम्पियर अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसके साथ कितना रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, सीरीज में जोड़ेंगे पैरेलल में जोड़ेंगे, ये हमें बताना है। तो देखिए ये है गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस गिवन है 60 ओम, ये 60 ओम। अब इसके अंदर ये 1 एम्पियर की करंट मेजर कर सकता है, आईजी कितना 1 एम्पियर। अब आपने इसके अक्रॉस एक शंट लगाएंगे अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो अब ये क्या बन गया, 5 एम्पियर का बन गया। तो यहां से 5 एम्पियर फ्लो करा सकते हैं, तो 1 इधर जाएगा तो 4 एम्पियर इधर जाएगा। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसको पैरेलल में कितना लगाना पड़ेगा, तो दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल होगा, तो 1 करंट 1 मल्टीप्लाई बाय 60 रेजिस्टेंस हो गया, इसमें 4 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय आरएस हो जाएगा, तो आरएस इक्वल टू कितना होगा 15 ओम हो जाएगा। तो यहां पर 15 ओम का जो रेजिस्टेंस होगा इसके पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको किसी विभवमापी तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर गिवन है, इसके सिरों के बीच कोई नियत विभवांतर बनाए रखा गया है, दो सेलों को श्रेणी क्रम में पहले एक दूसरे की सहायता से एक दूसरे के विपरीत दिशा में संयुक्त किया, पहले एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं दो सेल, फिर एक दूसरे को करते हैं वो अपोज करते हैं, इन दोनों प्रकरणों में शून्य विक्षेपण स्थिति तार के धनात्मक सिरे से 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होती है, तो दोनों की सेलों की ईएमएफ का अनुपात होगा। तो भाई हमें पता है जो ई नेट होता है वो होता है आपका फाइ मल्टीप्लाई बाई एल, फाइ है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट और एल जो है बैलेंसिंग लेंथ है। अब जब दोनों एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करेंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ई नेट क्या होगा, ई वन प्लस ई टू इक्वल्स टू फाइ पोटेंशियल ग्रेडियंट, फाइ और लेंथ आपको दी हुई है, जब सपोर्ट करेंगे तो 50 इक्वेशन बन होगी। जब दोनों को आप अपोजिट पोलरिटी पे कनेक्ट करते हैं यानी कि एक दूसरे को अपोज करेंगे तो ई वन माइनस ई टू पोटेंशियल ग्रेडियंट तो आपका वही रहेगा, वो तो चेंज होगा ही नहीं, तो फाइ मल्टीप्लाई बाई एल कितना हो गया, अब यह आएगा बैलेंसिंग लेंथ 10, इक्वेशन डिवाइड कर दो फाइ ये कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ई वन प्लस ई टू इक्वल्स टू ये फाइव ई वन माइनस फाइव ई टू, ये इस तरफ आ गया तो 6 ई टू, ये इस तरफ आ गया 4 ई वन, तो ई वन अपॉन ई टू, ई वन अपॉन ई टू ये आ गया 3:2, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 99 ओम प्रतिरोध के सचल कुंडली में धारा मापी में मुख्य धारा का 10% प्रवाहित करने के लिए आवश्यक शंट का मान, भाई आपको ये एक गैल्वेनोमीटर गिवन है, इसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है 99 ओम। अब ये बोल रहा है धारा मापी में मुख्य धारा का 10%, तो भाई प्रवाहित करने के लिए आवश्यक शंट होगा, तो शंट यानी कि समांतर क्रम में लगेगा आर एस। अब यहां से कोई धारा आ रही आई, इसका 10% यानी कि 1/10, तो आई बाई 10 इधर जाएगा, तो रिमेनिंग किधर जाएगा 9/10 आई इस आरएस से निकलेगा, तो आपको आवश्यक शंट का मान ज्ञात करना है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, तो आई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई आर जी 99 और ये हो गया 9/10 आई आरएस, ये आई बाई 10 कैंसिल हो गया ये इससे 11 टाइम्स, तो आरएस की वैल्यू कितनी आ रही 11 ओम, तो शंट का मान होगा आपका 11 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है एल लंबाई का एक विभवमापी आपको पोटेंशियोमीटर गिवन है, अब इसका जो पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, अब इसके साथ जो प्राइमरी सर्किट है उसमें आपने एक बैटरी कनेक्ट की हुई है जिसका ईएमएफ है ई नोड, और इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आर वन गिवन है। अब यहां पर इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ है ई ईएमएफ वाला सेल आपने सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट किया हुआ और बैलेंसिंग लेंथ एल पे आपको फाइंड आउट हो रही है, तो इस ई का वैल्यू क्या होगी, तो देखिए इस तरह से ये पोटेंशियोमीटर सर्किट बनाते हैं हम, ये है आपका पोटेंशियोमीटर वायर A टू B, ये प्राइमरी सर्किट होगा,
इसकी जो लेंथ है वो एल है और इसका रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। ये ईएमएफ जो है वो है ई नॉट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर वन। अब आपने ये तो प्राइमरी सर्किट हो गया, सेकेंडरी में क्या कर रहा, एक बैटरी लगाई, एक गैलोमीटर लगा और ये बैलेंसिंग लेंथ आपको यहां पर मिल रही है एल पर, ये प्लस माइनस ई। आपको ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है ये ई इक्वल्स टू क्या होता है, फाइव मल्टीप्लाई बाय बैलेंसिंग लेंथ एल, ये होगा। अब ई तो इसका ईएमएफ हो गया, हमें फाइंड आउट करना है फाइव क्या होता है, फाइव होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ, यानी कि वी ए बी अपॉन इसकी लेंथ एल स्मॉल एल। वी ए बी यानी कि आई, इसके अक्रॉस पोटेंशियल, इसमें जो करंट आएगी यहां से आई, ये करंट आई और इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर एल अपॉन कैपिटल एल। अब आई क्या होता है, नेट ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट, नेट ईएमएफ है आपका ई नॉट और आर इक्विवेलेंट है स्मॉल आर वन आर और ये आर एल अपॉन एल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट देखो, आपको वी और आई का ग्राफ गिवन है, जहां वी पोटेंशियल है आई करंट है। आपको इन दोनों वायर के लिए, दो वायर है, दो चालक तार है कंडक्टर, उनके T1 और T2 में रिलेशन बताना। तो हमें पता है V equals to क्या होता है, R I होता है, यानी कि इसका जो स्लोप होगा, VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका स्लोप भी ज्यादा होगा, यानी कि रेजिस्टेंस उसी का ज्यादा होता है जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यहां पर ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, स्लोप के यानी कि ढाल के। तो ये किसका स्लोप ज्यादा है, T1 का, तो यहां T2 का कम है, तो राइट आंसर हो जाएगा T1 ग्रेटर देन T2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। एक बैटरी में एन वन परिवर्तित संख्या सेल जुड़े, यानी कि एक बैटरी है जिसके संख्या है एन है, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो यहां पर समान है, इक्वल है, बैटरी के सिरों को लघुपतित कर दिया जाता है, उन धारा आई व एन के बीच सही ग्राफ होगा। तो ये आपके ई और आर, इस तरह से आपने ये एन सेल कनेक्ट किया हुआ, ई आर ई आर ई आर, ये एन सेल हो गए, इन सबको आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये लघुपतित कर दिया। तो यहां पर आई व एन के मध्य ग्राफ होगा, यानी कि धारा व सेलों की संख्या के मध्य क्या ग्राफ होगा, तो ये आई, तो आई कोस्टू जो होगा वो होता है नेट करंट, नेट ईएमएफ, तो सबके कारण धारा एक ही दिशा में, तो ये एन ई आर सीरीज में एन आर, तो ये आ गया ई अपॉन आर। तो यहां जो धारा होगी वो नियत होगी ई बाई आर, ये इस बात पे निर्भर ही नहीं कर रही, डिपेंड ही नहीं कर रही कि सेलों की संख्या क्या है, तो आई नियत रहेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट, एक आवेश समांतर प्लेट संधारित्र की स्थिति ऊर्जा यू है। आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है, इसकी स्थिति ऊर्जा यू नॉट है, आवेशित है। अब यदि प्लेटों के मध्य एक परावैद्युतांक पट्टिका रख दी जाए तो संधारित्र की नई स्थिति ऊर्जा होगी। तो एक समांतर आवेश प्लेट चार्ज्ड है, यानी कि इस पर चार्ज क्यू है, इसकी एनर्जी है यू नॉट, तो यू नॉट हो गया आपका क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, ये इनिशियल चार्ज है। अब इसमें आप जब के परावैद्युतांक की पट्टी का रखेंगे, एक स्लैब इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, तो न्यू हो जाएगी यू डैश इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर टू। अब ये सी जो होगा आपका के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो ये के सी, तो ये आपका हो जाएगा यू नॉट बाई के, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी जबकि इसका विभव V तक बढ़ाया जाए। तो देखो ये एक संधारित्र है, संधारित्र धारिता C है, इसका विभव V है, इस पर आवेश Q है, तो Q इक्वल्स टू होता है CV। अब यहां पर संचित ऊर्जा क्या होती है, किए गए कार्य के बराबर होती है, डेल्टा U, यानी कि U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो यहां पर संचित ऊर्जा जो होगी, U इनिशियल तो जीरो हो गया, तो U equals to W के इक्वल होगी। W क्या होता है, विभवांतर इनटू चार्ज Q, तो यहां पे चार्ज Q, ठीक है, और इनटू विभवांतर हो गया आपका dV। Q equals to क्या रख देंगे, CV, ये dV, आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो सोल्व करने पे आता है वर्क डन इक्वल्स टू वन बाई टू CV स्क्वायर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू।
आपको एक गिवन है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस गिवन है 50 माइक्रोफेरेड, जब इसके अंदर मीडियम क्या है, एयर है। अब इसको एक ऑयल के अंदर डुबो दिया जाता है, तो अब इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 110 माइक्रोफेरेड हो जाती है। तो इस ऑयल का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक कितना होगा, फाइंड आउट करें। तो हमें पता है सी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये गिवन है 50 माइक्रोफेरेड। अब आपने इसको ऑयल के अंदर डिप कर दिया तो सी डैश क्या हो गया, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये गिवन है 110 माइक्रोफेरेड। ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो के मल्टीप्लाई बाय 50 माइक्रोफेरेड, 110 माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड कैंसिल, 50 से ये 2.2, तो यहां पर आ जाएगा आंसर ऑप्शन 4, 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता सी है, आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है जिसकी कैपेसिटेंस सी है, और इनके बीच की जो सेपरेशन डी है, और यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है। अब इसे इन जो दोनों प्लेट है, इस समांतर प्लेट वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच आकर्षण बल होगा, यानी कि दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा होगा। तो देखिए भाई, ये कैपेसिटर है, इस पे प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू आवेश, इसके कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो जो फोर्स होता है वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फोर्स की जो वैल्यू होगी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए हो गया। ठीक, अब क्यू इक्वल टू क्या हो गया, सीवी, तो ये सी स्क्वायर वी स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो एप्सिलॉन नॉट ए की जगह क्या आ जाएगा, 2CD आ जाएगा, एक C से C, तो सी वी स्क्वायर अपॉन 2D, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आपको ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है, इसके अंदर आपने यहां पर इसके एरिया को डिवाइड किया हुआ है दो डायलैक्ट्रिक स्लैब, जिनका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है K1 K2 से, और ये जो इसकी थिकनेस होगी, जो सेपरेशन होगी, वो इक्वल है D/2। तो ये बेसिकली आप जब इसके अंदर डायलैक्ट्रिक स्लैब प्लेस करते हैं तो ये इसके सेपरेशन को डिवाइड करता है, तो ये दो आपके कैपेसिटर बन जाएंगे। आपको C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, दो कैपेसिटर सीरीज में जो होंगे उसकी तरह बिहेव करेंगे। तो ये K1, इसका सेपरेशन D/2 एरिया A, इसका भी कितना हो गया, ये K2 सेपरेशन ए, एरिया कितना हो गया, D/2 हो गया। अब यहां पर इसका C1 कैपेसिटेंस, इसका C2, तो ये C1 C2 की वैल्यू कैलकुलेट की जाए, तो C1 जो होगा वो तो होगा K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया ए अपॉन D/2, तो 2 पर चला गया, K की वैल्यू 1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। C2 जो है इस वाले का, K2 तो हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया ए अपॉन D/2, ये 2 पर चला गया। अब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट जो होगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, तो D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस D अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए, D अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट ए। एलसीएम ले लें 4 एप्सिलॉन नॉट ए, तो ये 2 प्लस 1, तो ये 4/3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4/3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। नेक्स्ट है आपका CVUNQ, आपके ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C, V इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, U इसकी एनर्जी और Q इस पे चार्ज है। अब आप क्या कर रहे हैं, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में एक डायलैक्ट्रिक यानी कि परावैद्युतांक पट्टिका रखते हैं, और बैटरी यहां पर विच्छेदित नहीं की जाए, यानी कि बैटरी जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से कनेक्टेड है। तो आप इसके अंदर जब डायलैक्ट्रिक स्लैब प्लेस करते हैं तो इनमें से चारों में से क्या आपका है वो वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, आपको ये बताना कौन सी राशि इंक्रीज होगी। तो भाई देखिए, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये बैटरी कनेक्टेड है, तो जब भी बैटरी कनेक्टेड होती है भाई, वी तो कांस्टेंट रहेगा, वी नहीं बढ़ेगा। तो वी इसमें आ रहा है, वी 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, तो ये तीनों गलत हो गए, वी कभी भी नहीं बढ़ेगा, वी आपका कांस्टेंट रहेगा। अब यहां पे बोल रहा है चार्ज, आप जब डायलैक्ट्रिक स्लैब प्लेस करेंगे
तो C इंक्रीज होगा, तो Q इक्वल्स टू क्या होता है CV, V कांस्टेंट, C इंक्रीज हो गया तो Q भी इंक्रीज होगा, तो भाई Q इंक्रीज होगा, बिल्कुल होगा। एनर्जी U इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर, V कांस्टेंट है, C इंक्रीज हो रहा है तो U भी इंक्रीज होगा, तो U भी इंक्रीज होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है जिसका प्लेट एरिया है A, इनके बीच का जो सेपरेशन है D है। अब इसे V नोट विभव तक यानी कि पोटेंशियल तक आपने चार्ज किया हुआ है। अब बैटरी को हटाकर इसकी प्लेटों की को दूर की ओर खींचा जाए, इनके बीच का जो सेपरेशन है पहले का 3 times कर दिया जाए, तो इस प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो हमें पता है जो वर्क होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल आपका चार्ज जो है आपने वी नोट तक आवेश किया हुआ है, बैटरी को हटाया हुआ है, यानी कि चार्ज कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये होगा चार्ज, इस पे Q है तो Q स्क्वायर अपॉन 2। अब C चेंज हो जाएगा, तो आप D आपने इंक्रीज किया तो C डिक्रीज हो जाएगा, तो जितना टाइम्स D इंक्रीज किया आपने तो C उतना टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, तो ये C बाई 3 हो गया। माइनस इनिशियल कितना है Q स्क्वायर अपॉन 2 C, ये ऊपर गया तो वर्क जो होगा वो हो जाएगा 3 Q स्क्वायर अपॉन 2 C माइनस Q स्क्वायर अपॉन 2 C। ये आपका वर्क जो आएगा 3/2 में से ये गया, तो ये Q स्क्वायर अपॉन 2 C आ गया, तो Q स्क्वायर अपॉन 2 C आ गया। Q इक्वल्स टू क्या होता है CV, तो CV नॉट स्क्वायर यानी कि C स्क्वायर V नॉट स्क्वायर अपॉन 2 C, एक C से C कैंसिल हो गया, तो वर्क इक्वल्स टू हो गया 1/2 CV नॉट स्क्वायर, 1/2 CV नॉट स्क्वायर ये आ गया। ठीक, अब देखिए इस पे जो C की वैल्यू है वो कितनी होगी, तो C की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में, तो C की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब यहाँ पर जो चार्ज है वो Q स्क्वायर अपॉन 2 C इनिशियल हो गया, आपने जो है 3 times किया था, ठीक है, सेपरेशन 3 times किया है, D की वैल्यू 3 times करेंगे तो D जितना इंक्रीज होगा C उतना डिक्रीज होगा, तो C हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2 C हो गया C बाई 3 तो 3/2 Q स्क्वायर अपॉन 2 C, 2 C तो 3 - 1 Q स्क्वायर अपॉन C आएगा 3/2, तो ये Q स्क्वायर अपॉन C आएगा, ये Q स्क्वायर अपॉन C आएगा, यहाँ 2 नहीं आएगा, ये Q स्क्वायर अपॉन C आ रहा भाई। ठीक है, तो यहाँ से भी ये 2 हटाओ तो C V नॉट स्क्वायर आएगा, ये C V नॉट स्क्वायर आएगा, तो C की वैल्यू क्या भाई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D V नॉट स्क्वायर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। देखो आपको एक डेफिब्रिलेटर दे रखा है जिसकी कैपेसिटी है 40 microfarad और इसको 3000 वोल्ट तक आप चार्ज कर रहे हैं। अब संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है 2 milliseconds में वो मरीज को दी जाती है, ये ऊर्जा तो मरीज को दी गई शक्ति होगी, तो हमें पता है भाई शक्ति जो है P इक्वल्स टू होता है एनर्जी यानी कि वर्क अपॉन टाइम। एनर्जी क्या होती है 1/2 CV स्क्वायर, तो 1/2 CV स्क्वायर अपॉन टाइम T, 1/2 C, C इज 40 माइक्रो मींस 10^-6, V मींस 3000, तो ये 9 × इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10^6 अपॉन टाइम 2 × 10^-3, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 90 kW, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आपको ये एक कैपेसिटर गिवन है तो इसमें आपको 2 dielectric slabs प्लेस की हुई है, तो ये भी किसको डिवाइड कर रहा है, ये एरिया को डिवाइड कर रहा है, तो ये एरिया को डिवाइड कर रहा है, तो ये एरिया a बाई 2 हो गया, ये a बाई 2 हो गया, तो एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु माध्यम तथा इसकी धारिता 10 है, तो एयर कैपेसिटर है कैपेसिटेंस 10 है। अब इसको 2 equal parts में विभाजित कर दिया, ऐसा कि चित्र में दर्शाया गया है K1 और K2 की वैल्यू 2 और 4 दी हुई, तो अब निकाय की धारिता कितनी होगी, तो भाई पहले इनिशियल कितनी तरह की सी एयर जो है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और ये 10 दी हुई है माइक्रोफेरड में। अब आप इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ये एरिया को डिवाइड करेंगे तो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये इसकी तरफ भी होगा पैरेलल में, ये K2 इसका एरिया हो गया a/2, सेपरेशन तो D रहेगा, ये दूसरा हो गया आपका K1 सेपरेशन डी रहेगा और ये एरिया a/2 हो गया।
इसका अगर C2 है, इसका C1 है, तो C1 C2 की वैल्यू कैलकुलेट की जाए, तो C1 इक्वल्स टू K1, K1 की वैल्यू कितनी है 2, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन A कितना हो गया हाफ हो गया, तो A बाई 2 D उतना ही है, ये C1 हो गया। C2 की वैल्यू K2, K2 कितना है 4, एप्सिलॉन नॉट एरिया हाफ हो गया A बाई 2, A बाई 2 D उतना ही है, ये 2 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, तो ये दोनों पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, दोनों एड होंगे तो सी इक्विवेलेंट सी वन प्लस सी टू यानी कि थ्री एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कितना है 10, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10 माइक्रोफेरेड, तो ये 30 माइक्रोफेरेड आ गया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट आपको ये डायग्राम गिवन है, ये एक्स और वाई के अक्रॉस 60 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, तो आप देख रहे हैं ये 2C, C और 2C ये दोनों किसमें, ये तीनों किसमें है सीरीज में, इन तीनों के साथ ये पैरेलल में, तो इस C के अक्रॉस कितना होगा 60 वोल्ट होगा, लेकिन आपसे पूछा है इस M और N के अक्रॉस कितना होगा, तो भाई ये 2C और C ये किसमें हो गए सीरीज में हो गए, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया C हो गया, तो ये C और ये C दोनों किसमें आ गए सीरीज में आ गए, सीरीज में क्या होता है पोटेंशियल इक्वली डिवाइड होता है, तो इन दोनों पर जितना होगा उस उतना ही इसके अकेले पे होगा, तो इन दोनों पर कितना होगा 30, इस पे कितना होगा 30, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 30 वोल्ट ऑप्शन 4। अब देखो आपको यहां पर इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है अक्रॉस इस ए और बी के अक्रॉस, तो आप देख रहे हैं यहां पर ये बी पॉइंट है, तो ये भी बी पोटेंशियल पे, ये भी बी पोटेंशियल पे, जब भी सेम पोटेंशियल के अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस या कोई भी कैपेसिटर कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है वो शॉर्ट सर्किट हो गया, ये बेकार हो गया, तो सी और सी पैरेलल में आ गए, इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया 2C, तो राइट आंसर हो गया 2C। आपको ये एक सर्किट गिवन है, तो इसमें 4 माइक्रोफेरेड पे कितना चार्ज होगा हमें फाइंड आउट करना है, तो देखिए ये 4 और 2 ये किसमें कनेक्टेड है पैरेलल में, तो इसको हम ऐसे रीराइट कर सकते हैं, ये 12, ये 6 और ये 4 और 2 हो गया 4 2 6, ये 12। अब 4 और 2 किसमें हो गए सीरीज में हो गए पैरेलल में हो गए 4 और 2, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया 6 हो गया, तो ये भी 6 और ये भी 6, तो इन दोनों पे इक्वल पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा 6 वोल्ट और 6 वोल्ट। अब इस पे चार्ज पूछा है, तो Q इक्वल्स टू क्या होता है CV, C कितना है 4 टेंस टू पावर माइनस 6, V कितना है 6, तो ये 24 माइक्रो कूलम आ गया, यानी कि 24 मल्टीप्लाई बाय टेंस टू पावर माइनस 6 कूलम हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये एक प्लेट कनेक्शन गिवन है, आपको ए और बी के बीच में, इस ए और बी के बीच में इसकी तुल्यधारिता ज्ञात करनी है, ठीक है, तब तुल्यधारिता ए और बी के बीच में ज्ञात करनी है। तो देखिए प्लेट सेपरेशन समान है, यहां पर एरिया समान है, तो इसको आप पोटेंशियल मार्किंग टेक्निक से थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो ये ए ये बी, तो ये बी पोटेंशियल पे, ये भी बी पोटेंशियल पे, सपोज करो ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड, तो यहां पर नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, पॉजिटिव के सामने क्या होता है भाई नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, इधर भी नेगेटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये न्यूट्रल थी, बाद में भी न्यूट्रल रहेगी, तो इस माइनस के सामने प्लस आ गया, इधर माइनस आ गया, ठीक है, इधर प्लस होगा, ये प्लस है तो इधर प्लस, तो इधर माइनस होगा, इधर प्लस हो जाएगा, तो भाई यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो इस पे प्लस, इधर भी प्लस, प्लस के सामने माइनस, तो इधर प्लस, उधर सामने माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये आपके इधर की तरफ प्लस और इधर माइनस, ये हो जाएगा, तो ये जो है आपके इस तरह से चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सी पोटेंशियल पे होगी तो ये डी पोटेंशियल पे होगा, आप यहाँ पर इनको इक्विवेलेंट निकालें तो ये ए बी सी और डी, देखिए ये जो है सी और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया, ये एक कैपेसिटर हो गया सी, इसका काम हो गया, इस बी और डी के बीच में एक और लगा दो, तो बी और डी के बीच में ये एक कैपेसिटर लगा दिया, ये आपका D है और ये C है, C और D के बीच में ये कैपेसिटर लगा दिया, इससे भी आपका एक कैपेसिटर बन गया, ये आपका C है और ये A है और C और A के बीच में ये एक और कैपेसिटर लगा दिया, इसका भी कॉम्बिनेशन हो गया, और ये प्लस माइनस, ये माइनस, ये D और A के बीच में भी ये कैपेसिटर बन गया C, तो सब कैपेसिटेंस C C C C, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, तो ये बेकार हो गया,
सी और सी, सी और सी आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा सी इक्विवेलेंट सी, सो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन वन। आपको ये एक सर्किट गिवन है, आपको इस पी और आर इस पॉइंट के अक्रॉस जो सी इक्विवेलेंट होगा और इस पी और क्यू के अक्रॉस जो सी इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो पहले हम पी और आर के अक्रॉस निकालते हैं, तो सी इक्विवेलेंट पी और आर के अक्रॉस निकाला जाए। तो देखिए ये कितना हो गया आपका, ये हो गया है सी बाई टू और ये हो गया सीरीज में सी बाई थ्री, दोनों को आप पैरेलल में हैं तो सी बाई टू प्लस सी बाई थ्री एलसीएम लिया सिक्स तो ये फाइव सी बाई सिक्स हो गया। अब हम निकालेंगे P और Q के अक्रॉस, तो C P और Q के अक्रॉस तो ये तो हो गया C और ये सीरीज में हो गए चारों तो ये C बाई फोर तो फाइव सी बाई फोर, दोनों को डिवाइड करेंगे, रेशियो पूछा है तो फाइव सी बाई सिक्स फोर अपॉन फाइव सी, फाइव सी फाइव सी तो टू इज टू थ्री ये हो जाएगा। तो राइट आंसर हो रहा है ये 45 का ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखें ए और बी के अक्रॉस आपको तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। तो देखो यहां पर ए और बी के अक्रॉस तुल्यधारिता, तो ये देखें ये तीनों जो है ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तीन 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 सीरीज में हो जाएगा वन, वन और टू किस में हो गए पैरेलल में, फिर हो गया तीन, फिर तीन 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 ये किस में कनेक्टेड है सीरीज में, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया वन, वन और टू किस में आ गए पैरेलल में, तो वन और टू फिर कितना हो गया थ्री हो गया, थ्री थ्री और थ्री पैरेलल में तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया वन, तो राइट आंसर हो जाएगा वन, सॉल्व करने की जरूरत नहीं ये देखते हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये एक सर्किट गिवन है, इसमें बोला है कि इस 5 ओम रेजिस्टेंस में 10 कैलोरी प्रति सेकंड ऊष्मा उत्पन्न हो रही, यानी कि शक्ति जो है प्रति सेकंड वो 10 कैलोरी पर सेकंड ऊष्मा उत्पन्न हो रही, तो शक्ति होगी 10 वोल्ट, 10 कैलोरी पर सेकंड में, वोल्ट में तो जूल पर सेकंड। अब 4 ओम प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी, तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी, तो देखिए भाई यहां से कोई धारा आ रही है, अब इसके अंदर अगर आपके धारा आई आ रही है तो ये 4 और 6 हो गए 10 हो गए, ये 5 हो गया, ये 2:1 में तो 1:2 में जाएगी, तो इधर आई जा रही है तो इधर कितनी जाएगी धारा, आई बाई टू जाएगी, ये 4 और 6 हो गया आपका, ये 2:1 तो धारा का हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। अब इसमें 5 ओम में जो 10 आई स्क्वायर आर टी, तो आई स्क्वायर ये उष्मा उत्पन्न हो रही है आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर आर कितना है 5 ये पर सेकेंड हो रहा है, ठीक है समीकरण एक होगी, तो इसमें कितना होगा, इसमें हमें उष्मा निकालनी है पर सेकेंड, तो I बाई टू आई स्क्वायर आर कितना है 4 ये हो गया, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो ये H जो होगा आई स्क्वायर की वैल्यू ये होगी 2, तो 2 आई स्क्वायर बटे 4, 4 4 से 4 तो 2 कैलोरी पर सेकेंड आ रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। देखो यहाँ पर नीचे दिखाए गए परिपथ में कुल शक्ति का मान होगा, यानी इसमें नेट पावर कितनी होगी, तो यहाँ से कोई करंट जाएगी, ये आने के बाद यहाँ डिवाइड होगी, तो 6 और 3 पैरेलल में हो गया, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया 6 और 3 का 2 हो गया, 2 और 4 सीरीज में 6 हो गया, तो P इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट, V कितना है 18 का स्क्वायर, R इक्विवेलेंट 2, 6 और 3 2, 2 और 4 6, तो P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, तो ये आपके 6 हो गया, तो 18 × 18 6 6 3 18 54 वोट हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। देखो आपको ये एक सर्किट गिवन है, इसमें तीन बल्ब गिवन है B1 B2 एंड B3। अब ये बोल रहा है 100 वाट का एक बल्ब, ये 100 वाट का है B1 और ये B2 और B3 जो है ये 60 वाट के हैं, ये 60 वाट के बल्ब है। अब ये आपने 250 स्रोत एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है 250 वोल्ट का है बैटरी का ये में। अब यहां पर इसमें जो शक्ति उत्पन्न है वो W1, इसमें W2 और इसके अंदर W3 शक्ति उत्पन्न हो रही है B1 B2 B3 में, तो आपको बताना है कि यहां पर W1 W2 और W3 में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ये दिया हुआ है अंकित विभव समान है। तो भाई यहां पर इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इसका रेजिस्टेंस R1, तो R1 इक्वल टू होता है V अंकित
वी स्क्वायर अपॉन इसकी पावर है 100। अब इन दोनों की पावर तो सेम है, तो R2 इसका जो रेजिस्टेंस होगा R2 वही रेजिस्टेंस इसका होगा R2, इसका रेजिस्टेंस होगा R1, इसका R1, इसका R2, इसका भी R2, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो सेम रेजिस्टेंस होगा, इसकी पावर अलग है तो इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, तो R2 इक्वल टू V तो वही अंकित सेम दोनों का है अपॉन 60 हो गया। अब यहां से कोई करंट आई तो इसमें गई I1, इसमें करंट गई I2, तो यहां पर दोनों में सेम करंट होगी तो दोनों के अंदर जो पावर डेवलप होगी वो W1 कितना होगा, तो इसके अंदर तो होगी I1 स्क्वायर, दोनों के अंदर I1 स्क्वायर और इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया R1 हो गया। इसके अंदर जो पावर डेवलप हो रही है W2 वो I तो सेम रहेगा I स्क्वायर R2। अब देखें I दोनों में सेम है, W1 W2 में रिलेशन देख लेते हैं, तो भाई यहां पे ये वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू कम होगी और ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें वोट भी ज्यादा होगी, तो यहां पर R2 ज्यादा है R1 से, R2 ज्यादा है R1 से, तो W2 ग्रेटर देन W1 होगा, तो W2 ग्रेटर देन W1 किस किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है एक इसमें आ रहा है, ये W1 ग्रेटर देन, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, W1 ग्रेटर देन W2 नहीं होगा, W2 ग्रेटर देन W1 होगा, ठीक है। चलिए अब देखें इसमें I2, तो इसके अंदर W3 जो होगी वो कितनी होगी, तो ये होगी I2 यानी कि I2 स्क्वायर और रेजिस्टेंस R2। अब जो I होगी ठीक है, वो I की वैल्यू आप यहां से निकालें तो I इक्वल टू होता है V अप्लाइड अपॉन R इक्विवेलेंट, V अप्लाइड इस पे भी 250, तो ये 250 अपॉन I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट कितना है इसका, ये है R2 स्क्वायर, तो I इक्वल टू V अपॉन R2 मल्टीप्लाई बाय R2, तो ये आपके आ रहा है 250 का स्क्वायर अपॉन R2। तो जब हम यहां पर W1, W2, W3, I1 की वैल्यू निकालें तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अप्लाइड कितना है 250, V अप्लाइड 250 और ये आपके R1 प्लस R2। जब हम यहां पर सोल्व करेंगे तो ये W3 की वैल्यू जो है W1, W2 से भी ज्यादा आएगी, W2 से भी ज्यादा आएगी, तो W2 से भी ज्यादा आएगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 3 नहीं हो पाएगा, क्योंकि W2 और W3 इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर ये जो है W2 है I1 स्क्वायर R2 और ये I2 स्क्वायर R2, I2 जो है वो अलग अलग होगी, तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन 4, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, W1 लेस देन W2 लेस देन W3, तो सबसे ज्यादा होगी W3। अब देखो ये कार्बन प्रतिरोध का क्वेश्चन है, ये आपको येलो वॉयलेट ब्राउन गोल्ड, हमें पता है इनके जो डिजिट्स होते हैं, तो येलो जो है वो आपके 4 के लिए, वॉयलेट 7, ब्राउन जो होता है मल्टीप्लायर ये होता है 10 और गोल्ड में टॉलरेंस होता है प्लस माइनस 5%, तो ये आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन 4। देखो यहां पर आपको रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ गिवन है, देखिए रेजिस्टिविटी जो होती है रो इक्वल्स टू ये रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी और अल्फा बीटा टी स्क्वायर, इसका जो है ये वाला पावर जो है ये हम नेगलेक्ट कर देते हैं लो टेम्परेचर के लिए, लेकिन हाई टेम्परेचर में ये वाली जो है टर्म ये नेगलेक्ट नहीं होती है, तो आप यहां पर रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये आपके लो टेम्परेचर पे स्ट्रेट लाइन होता है, इसके बाद ये क्या होता है आपका कर्व हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीटर सेतु के बाएं अंतराल में संयुद्धित कोई प्रतिरोध तार इसके दाएं अंतराल के 10 ओम प्रतिरोध को उस बिंदु पर संतुलित करता है जो सेतु के तार को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है, यदि प्रतिरोध तार की लंबाई 1.5 मीटर है तो इस प्रतिरोध तार की वह लंबाई जिसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। देखिए यहां पर आपको ये मीटर ब्रिज दिया हुआ ठीक है, मीटर ब्रिज में जो है दाएं अंतराल में 10 ओम प्रतिरोध को उस बिंदु पर संतुलित करता है जो 3:2 में, यानी कि अगर दाया आर वन है बाया आर टू है तो ये 3:2 होगा, तो दाया आर वन 10 है तो आर टू कितना हो गया 15 हो गया, आर टू हो गया 15 हो गया, ये आर टू 15 हो गया,
यदि प्रतिरोध तार की लंबाई 1.5 है, अब ये जो है दायां वाला है दायां अंतराल के 10 ओम प्रतिरोध को उस बिंदु पर संतुलित करता है जो सेतु तार को 3:2 में विभाजित करता है, ठीक है। तो दाएं निकल के आ गया R2 15 आ गया। अब ये बोल रहा है यदि प्रतिरोध तार की लंबाई, ये जो R2 है इसकी लंबाई 1.5 मीटर है, तो इस प्रतिरोध तार की वह लंबाई जिसका प्रतिरोध 1 ओम होगा, तो 1 ओम की आपको लंबाई निकालनी है, तो 1.5 अपॉन आप 15 से डिवाइड कर दें तो ये आपका 1×10^-1 मीटर आ जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विभवमापी परिपथ में 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक सेल 36 सेंटीमीटर तार की लंबाई पर संतुलन बिंदु देती है, यानी कि नल डिफ्लेक्शन लेंथ है इससे 36 सेंटीमीटर। अब यदि 2.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली दूसरी सेल पहली सेल को प्रतिस्थापित करती है तो तार के किस लंबाई पर संतुलन बिंदु प्राप्त होगा, तो आपके किस लेंथ पर जो है नल डिफ्लेक्शन लेंथ फाइंड आउट होगी। तो हमें पता है E1 इज प्रोपोर्शनल L1 होता है, ठीक है। तो यहां पर ये 1.5 प्रोपोर्शनल 36, नेक्स्ट है आपका 2.5 इज प्रोपोर्शनल L2 निकालना है, डिवाइड करेंगे तो ये आपके L2 की वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समान लंबाई समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा समान पदार्थ के समांतर क्रम में जुड़े 4 प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध 0.25 है, यदि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो प्रभावी प्रतिरोध हो। कहने का मतलब है आपको 4 रेजिस्टेंस गिवन है, अगर ये चारों पैरेलल में है तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना है 0.25 है, तो ये 1/R eq = क्या हो गया 4/R आपको दिया हुआ है, सेम है, तो 1/0.25 तो 4/R, तो R जो होगा वो 4×0.25 यानी कि 1 ओम होगा। अब जब इन चारों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना होगा 4×1 4 ओम हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये एक सर्किट गिवन है, इसमें R1 R2 R3 गिवन है, यहां I1 I2 I3 दी हुई, तो I3 और I1 का रेशियो निकालना, I3 I1 का रेशियो निकालना, I3 और I1 का रेशियो निकालना। तो देखिए हमें पता है ये जो I1 करंट है यही I2+I3 में स्प्लिट होगी, हो जाएगी। अब दोनों पर पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल सेम है तो V=IR, तो ये I2 R2 और ये क्या हो गया I3 R3, ये I2 की वैल्यू इसके अंदर रखो तो I1 I2 की वैल्यू होगी I3 R3 upon R2+ ये हो गया I3। सो रीअरेंज करें तो I1 = ये I3 बाहर ले लिया, R3+R2/R2, तो I3/I1 पूछा है तो ये हो गया R2/R2+R3, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है ये एक सर्किट गिवन है जिसमें 4 कैपेसिटर है, तीनों का कैपेसिटेंस जो है वो सेम है, ये बैटरी कनेक्ट की हुई है 10 वोल्ट की, आपको फाइंड आउट करना है इस ए पॉइंट और बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, यहां से ग्राउंड किया हुआ है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 0 होगा। तो देखो यहां से जो चार्ज फ्लो होगा वो चारों पर सेम जाएगा, तो चार्ज जो होगा वो सी इक्विवेलेंट पूछे हैं, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया सीरीज में C/4 हो गया, तो Q = CV, तो सी इक्विवेलेंट C/4×10, ये चार्ज फ्लो होगा। अब चलिए इस ए पॉइंट का पोटेंशियल, तो ये चार्ज +2−+2−+2−, तो VA प्लस से माइनस तो −Q/C, तीनों पे है तो −3Q/C = 0, VA निकालना है तो ये उधर गया 3/C और Q की वैल्यू कितनी है C/4×10, सी से सी तो ये 30/4 यानी कि 7.5, ये 7.5 आ गया। अब आपको इस बी पॉइंट का निकालना, तो ये प्लस से माइनस, चलें बी से चलें तो VB माइनस से प्लस Q/C, चार्ज कितना है Q, तो Q की वैल्यू कितनी होगी इस पे Q/C = 0, तो VB 1/C माइनस में
और क्यू की वैल्यू है सी बाई फोर मल्टीप्लाई बाई टेन यानी कि माइनस 2.5। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, ए का पोटेंशियल 7.5, इसका माइनस 2.5। आपको दिया हुआ है तीन कैपेसिटर है, तीनों की कैपेसिटेंस सी में और इनका जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज भंजन वोल्ट था वो वी दी हुई है। अब इन्हें सीरीज में जोड़ा जो गया है, अब इन संयोजन के लिए धारिता और भंजन वोल्टता के मानोगे। आपने बेसिकली ये तीन कैपेसिटर लिए, तीनों को कैपेसिटेंस सी 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 और मैक्सिमम पोटेंशियल ये भी वी, ये भी वी, ये भी वी, वी से ज्यादा लगा किसी पे भी वो ब्रेक हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। तो आप कितना अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं 3V, तीनों पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा वी 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 3V और सी इक्विवेलेंट कितना हो गया सीरीज में सी बाई थ्री, तो सी बाई थ्री 3V ऑप्शन 4। क्वेश्चन है एक समांतर पट्ट संधारित्र पर आवेश क्यू, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है चार्ज क्यू है, अब इनके बीच का जो सेपरेशन है फोर्स लगाकर डबल कर दिया जाता है तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो भाई ये है आपका चार्ज, इस पे क्यू है, आप जब फोर्स लगा के इनके बीच का सेपरेशन डबल कर रहे हैं तो जो कार्य होगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, अब यू इनिशियल क्या होता है तो यू फाइनल कितना होगा तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, आपने सेपरेशन डबल किया d डबल c हाफ तो ये c हाफ हो गया माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, ये कैंसिल तो क्यू स्क्वायर अपॉन c माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2C तो ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2C ये आ जाएगा। तो कितना कार्य करना पड़ा क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन 3। देखो आपको ये सर्किट गिवन है, इसमें पूछा है इस सर्किट सी पे कितना चार्ज होगा, सी की वैल्यू दे रखी है 6 माइक्रोफेरेड गिवन है, ये 2C हो गया। तो देखिए दोनों ग्राउंडेड है, इसका मतलब ये आपस में कनेक्टेड मान सकते हैं, ये दोनों आपस में ग्राउंडेड है तो यहां पे चार्ज ऐसे जाएगा 10 वोल्ट ये गिवन है सी, 2C ये गिवन है तो आपको चार्ज कितना होगा, तो सी इक्विवेलेंट देखें तो सी इक्विवेलेंट होगा आपका सी एंड 2C, तो 2C मल्टीप्लाई बाय सी 3C, तो 2C बाई 3C इक्विवेलेंट हो गया। अब चार्ज दोनों पर सेम होगा ठीक है, तो Q जो होगा वो सी इक्विवेलेंट वी हो गया, सी इक्विवेलेंट 2 बाई 3 सी, सी की वैल्यू कितनी है ये 6 माइक्रो और वी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये आपके आ गया 12 बाई 3 4T माइक्रो कूलम, तो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 3 40 माइक्रो कूलम। देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, दो एक समान संधारित्र एक और दो को श्रेणी क्रम में बैटरी से चित्रानुसार जोड़ा गया, दोनों एक जैसे कैपेसिटर है ठीक है 1 और 2। अब क्या करते हैं सेकंड कैपेसिटर जो 2 नंबर है उसके अंदर एक डायलैक्ट्रिक परावैद्युतांक की आपने प्रवेश करा दी, रख दी इसके अंदर। अब संधारित्र में संचित आवेश Q1 व Q2 अब है, तो संधारित्र में संचित आवेश Q1 Q2, अब परावैद्युतांक गुटकों को हटा दिया जाए तो संगत आवेश Q1 डैश और Q2 डैश तब होगा ठीक है। तो भाई Q1 डैश और Q2 डैश आपको हटाने के बाद निकालना है ठीक है। तो देखिए यहां पर सी इक्विवेलेंट निकाला जाए कितना होगा, तो दो एक समान संधारित्र एक और दो को श्रेणी क्रम में जोड़ा, सो क्वेश्चन 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर 1 एंड 2 आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी एज शोन इन फिगर, कैपेसिटर 2 कंटेन ए डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के एज शोन, Q1 एंड Q2 आर द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर, तो ये आपका जो है इनिशियल चार्ज, नाउ द डायलैक्ट्रिक स्लैब इज रिमूव्ड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग चार्जेस आर Q1 डैश एंड Q2 डैश, देन क्या होगा। तो भाई देखिए सबसे पहले आप इसमें जो चार्ज होगा Q1 और Q2 वो इक्वल होगा, तो Q1 और Q2 कितना होगा इक्वल होगा क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्यू इक्वल्स टू क्या होता है क्यू इक्वल्स टू सी वी, सी इक्विवेलेंट वी, तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा यहां पर, तो सी मल्टीप्लाई बाय के सी अपॉन सी प्लस के सी, ये तो सी इक्विवेलेंट और वी हो गया आपका ई, ये सी कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो Q1 और Q2 की जो वैल्यू होगी इनिशियल, एक सी कॉमन लगे कैंसिल हो गया तो के सी अपॉन 1 प्लस के मल्टीप्लाई बाई ई, ये आ रहा है। अब आप इसमें से डायलैक्ट्रिक स्लैब निकाल लेते हैं तो कितना रहेगा Q1
Q1 डैश और Q2 डैश दोनों पर इक्वल होगा। अब ये C और C दोनों किस में आ गए, पैरेलल में सीरीज में आ गए, तो C बाई 2 हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट हो गया C बाई 2 E हो गया। अब आपसे पूछा है इसमें रेशियो पूछा है, तो आप चेक करेंगे Q2 डैश यानी कि Q2 डैश अपॉन Q2, तो ये Q2 डैश हो गया C बाई 2 और Q2 कितना हो गया KCE अपॉन 1+K, तो CE कैंसिल हो गया तो 1+K अपॉन 2K, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। देखो आपको ये तीन प्लेट गिवन है, चित्रानुसार तीन बड़ी प्लेटों को आवेशित किया गया है। यदि प्रत्येक प्लेट का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान है, एरिया समान है, प्लेट सी पर अंतिम आवेश वितरण होगा, तो तीनों प्लेटें एक जैसी है, यहाँ पर सेपरेशन भी लगभग इक्वल है, हमने यहाँ पर इक्वली प्लेस किया हुआ है, पास पास में रखा हुआ है, तो ये जो अंतिम प्लेट है इस पर अंदर वाली सरफेस और बाहर वाली सरफेस पे कितना चार्ज होगा, तो भाई हम इसको चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करते हैं, तो टोटल चार्ज कितना है वो है 11-5, 6, इसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं, तो 6 का 3Q तो इधर आ गया, 3Q इधर आ गया। अब हमें पता है कंडक्टर के आमने सामने वाली सरफेस पे सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट नेटेड चार्ज होता है, तो ये 3Q इधर आएगा तो इधर -2Q इधर आएगा, -2Q इधर तो ये +2Q इधर आएगा, -QQ तो ये +2 आ गया तो इधर -7Q तो इस तरह आएगा +7Q इधर आएगा, आमने सामने पे सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर, तो इस पर इनर सरफेस पे तो आ रहा है 7 कूलम्ब और आउटर पे कितना आ रहा है 7Q और आउटर पे कितना आ रहा है 3Q, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, R त्रिज्या और L लंबाई के चालक पर विभवांतर V लगाया गया है, जब विभवांतर को दो गुना किया जाता है तो अनुगमन वेग होगा, तो अनुगमन वेग जो है VD इक्वल्स टू होता है μE, VD μE इक्वल्स टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन L। अब आप R त्रिज्या L लंबाई के चालक पर V विभवांतर लगा रहे हैं, जब विभवांतर दो गुना किया है तो क्या होगा, तो म्यू और एल तो नियत हो गया, तो VD इज प्रोपोर्शनल क्या हो गया V हो गया, अब आप V डबल करेंगे तो अनुगमन वेग भी क्या होगा डबल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। जब एक कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका क्या डायरेक्शन होगा, सो व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग वायर अलोंग इट्स लेंथ देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट एग्जिस्ट, तो एक चालक तार में धारा इसकी लंबाई में बहती तो विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, तो भाई जो विद्युत क्षेत्र होता है वो तार के बाहर तो जीरो होता है, तो तार के बाहर जीरो होगा, लंबवत बिल्कुल भी नहीं होगा, तार के बाहर जीरो होगा, तार के अंदर इसके समांतर होता है, तो ये कंडक्टर है, आप इस पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, तो राइट आंसर होगा तार के अंदर इसके समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए लंबाई एल प्रतिरोध आर के तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाता है तो इसके व्यास के दोनों विपरीत बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध होगा, भाई आपको ये दे दिया तार, ये ए और बी, इसकी लंबाई है एल, इसका प्रतिरोध आर, तो इधर आप लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है प्रतिरोध, तो इधर हो गया R/2, इधर भी हो गया R/2, अब R/2 ए और बी के अक्रॉस किस में आ गए समांतर क्रम पैरेलल में आ गए, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा R/4 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है ये जो अमीटर है इसकी क्या रीडिंग होगी यदि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है तो इसकी क्या रीडिंग होगी अमीटर की, तो देखिए यहां पर ये 12 और 4 यहां से करंट जाएगा, इसमें दोनों में इक्वली इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, दोनों किस में कनेक्टेड है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आप यू भी डायरेक्ट देख सकते हैं इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा 20, इस पर भी कितना होगा 20 वोल्ट होगा, तो इसके अंदर जो करंट होगा आई वो आई सीधा सीधा आप लिख सकते हैं अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस 20 अपॉन इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो 4, तो 20 अपॉन 4 एम्पीयर यानी कि 5 एम्पीयर। ए और बी के मध्य आर इक्विवेलेंट निकालना है, ए और बी के मध्य, तो हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं पोटेंशियल मार्किंग टेक्निक से, तो देखो ये बी पोटेंशियल पे ये जंक्शन, तो ये भी क्या होगा बी पोटेंशियल पे होगा, हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं,
अब ये बी है, ये बी है, ये ए है, तो ये कोई सी पोटेंशियल होगा। तो ए बी और ये सी, ए और सी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया, रेजिस्टेंस आर, ये यूज हो गया। ए और बी के अक्रॉस एक और लगा दो, तो ये ए और बी के अक्रॉस ये रेजिस्टेंस हो गया आर, ये भी यूज हो गया। सी और बी और सी और बी के अक्रॉस ये रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, ये दो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ये हो गया। अब ये आर और आर, आर बाई टू, ये कितना हो गया इसके साथ थ्री आर बाई टू, तो थ्री आर बाई टू, ये थ्री आर बाई टू, ये आर इक्विवेलेंट पैरेलल में, तो थ्री आर बाई टू मल्टीप्लाई बाई आर, थ्री आर बाई टू प्लस आर, ये आपका थ्री आर आर बाई टू, और ये हो गया फाइव टू अपॉन फाइव आर, ये टू कैंसिल, ये आर कैंसिल, तो थ्री बाई फाइव आर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट है ए और बी के बीच विभवांतर कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, वी ए माइनस वी बी, यहां से तो ये करंट आपके यहां से जाएगी आई। अब ये वन और थ्री, थ्री और वन, तो यहां पर ये दोनों पैरेलल में, ऊपर फोर नीचे भी फोर, आर इक्विवेलेंट हो गया टू, तो इसका आर इक्विवेलेंट हो गया टू, जो यहां से करंट जाएगी आई इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो टेन अपॉन टू यानी कि फाइव एम्पियर जाएगी। अब जितना रेजिस्टेंस ऊपर उतना है नीचे, दोनों में पैरेलल में इक्वल पोटेंशियल होगा, करंट भी इक्वली डिवाइड होगा, तो इधर आ जाएगा फाइव बाई टू एम्पियर, इधर भी हो गया फाइव बाई टू एम्पियर। अब ये प्लस टू माइनस, ये भी क्या हो गया प्लस टू माइनस, ए से बी तक चलो केवीएल लगाओ, तो वी ए माइनस से प्लस, प्लस वन मल्टीप्लाई बाय फाइव बाई टू, फाइव बाई टू, ठीक है, ये आ गया फाइव बाई टू मल्टीप्लाई बाय वन, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस दैट इज माइनस, तो ये हो गया फाइव बाई टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, दैट इक्वल्स टू वी बी। ये वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 15 बाई टू माइनस 5 बाई टू, तो ये 7.5 माइनस 2.5, तो 5 वोल्ट आ जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 वोल्ट। इसमें आपसे पूछा है परिपथ का परिणामी प्रतिरोध होगा, तो आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखिए ये ए पॉइंट पर पोटेंशियल, तो ये भी आपका ए पॉइंट पर, ये बी पॉइंट पर, तो ये भी बी पॉइंट पे, आप ए और बी के अक्रॉस देखें, तो ये आपके ए और बी, ये ए और बी, और ये ए और बी, तो ये आपके हो गया आर एंड आर टू आर, ये भी आपका बी और ए के अक्रॉस, ये हो गया आपका आर, ये ए और बी के अक्रॉस कितना हो गया टू आर, तो टू आर, टू आर हो गया आपका पैरेलल में आर, आर और आर पैरेलल में हो गया आर बाई टू, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन आर बाई टू। आपको क्वेश्चन गिवन है, एक धारा मापी का प्रतिरोध दिया हुआ है 3663, तो एक गैलोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस आर जी गिवन है 3663 ओम गिवन है। अब इस पर एक शंट इस प्रकार जोड़ा गया है, ये शंट है एस, इस प्रकार जोड़ा गया है कि कुल धारा का 1/34 भाग ये धारा मापी से प्रवाहित होता है, तो कुल धारा का 1/34, तो यहां से कुल धारा आई, तो ये आई बटे 34 इधर आ जाएगा, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा 33 आई अपॉन 34, ये इससे पास होगा तो शंट का मान होगा, तो दोनों पर सेम पोटेंशियल कर दो, तो आई मल्टीप्लाई बाय आई अपॉन 34 मल्टीप्लाई बाय आर जी 3663 इक्वल्स टू 33 आई अपॉन 34, ये एस हो गया, ये जो है एस की वैल्यू होगी, 34 आई कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल करेंगे तो 111 हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा एस की वैल्यू 2111। नेक्स्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम और विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट के सेल को लंबाई 500 ओम तथा 500 सेंटीमीटर तथा प्रतिरोध 3 ओम के समांतर एक समान तार से जोड़ा गया, तार की विभव प्रवणता है। देखिए भाई, ये आपको एक आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल, ये 10 वोल्ट दे दिया, ये 10 वोल्ट, ये है 2 ओम, लंबाई आपको इसकी दे दी 500 सेंटीमीटर और इसका प्रतिरोध जो दे रखा है वो 3 ओम दे रखा है,
तार की विभव प्रवणता निकालनी इस ए और बी तार की, तो विभव प्रवणता जो होती है फाइ वो होती है विभव अपॉन इसकी लंबाई एल। तो विभव प्रवणता वी ए बी, वी ए बी इक्व टू वी इक्व टू आई, इसके अंदर आई इसका प्रतिरोध हो गया आर अपॉन एल। आई कितना होगा ई नेट अपॉन आर इक्विवेलेंट, ई कितना है टेन, ये हो गया टू प्लस थ्री आर इक्विवेलेंट। आर कितना है, आर है इसका थ्री, तो ये थ्री, और एल कितनी है, एल है इसकी 500 सेंटीमीटर में, या सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में रखो, तो ये टू टाइम्स, ठीक है। तो विभव प्रवणता जो आ रही है 6/500 ये आ रही है, ये आ रही है वोल्ट पर सेंटीमीटर। आप इसको क्या करें 1000 से ऊपर और 1000 से नीचे डिवाइड कर दें, ये आपने इससे टू टाइम्स, ठीक है, तो ये हो गया 12 मल्टीप्लाई बाय 10^-3 हो गया, ये कितना हो गया मिली हो गया, तो 12 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर आ गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। बाह्य अंतराल में 5 ओम के मानक प्रतिरोध लगे हुए मीटर सेतु में तार की संतुलन लंबाइयों का अनुपात 2:3 है, तो अज्ञात प्रतिरोध होगा। तो बाह्य अंतराल में 5 ओम लगा रखा है, तो ये 5 अपॉन आर टू, ये 2:3 हो गया, तो आर टू इक्वल टू कितना हो गया आपका 15/2 यानी कि 7.5। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विभव मापी पर एक समान विभव प्रवणता दो सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए, अब ये एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे के विपरीत इनके विभव मापी तार पर संतुलन लंबाई क्रमशः 6 मीटर और 2 मीटर, तो इनके विद्युत वाहक बलों का अनुपात होगा। देखो भाई, ये आपके विभव मापी पर विभव प्रवणता एक समान है, ये दोनों जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो E1+E2=5L, L कितना है इनका जब सपोर्ट करेंगे, तो ये 6 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। जब ये इनको अपोज करेंगे तो E1-E2=5 × 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया, डिवाइड कर दो 5 से 5, तो ये 2E1+2E2=6E1-6E2, रीअरेंज करें तो ये 8E2=4E1, तो E1/E2=2:1, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में बैटरी E1 का विद्युत वाहक बल है 12 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0 है इसका, जबकि बैटरी E2 का जो EMF है वो आपको दिया हुआ है 2 वोल्ट दिया। यदि धारा मापी G का पाठ्यांक 0 है, मींस इसके अंदर कोई करंट नहीं जा रही है, तो प्रतिरोध X का मान होगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है, यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, इट मींस इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो 2 वोल्ट होगा। आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे वो 2 वोल्ट के इक्वल कर देंगे, तो यहां से जो करंट जा रही है I1, ये करंट जा रही है I1, I=E net E1, ये हो गया आपका 12/R=500/500+X। अब ये जो करंट इससे जाएगी तो ये जो I1X होगा यही 2 के इक्वल होगा, तो I1 कितना है, I1 हो गया 12/500+X × X=2, तो इसको रीअरेंज कर लें तो ये 6X हो गया, तो 6X=500+X, तो 5X=500, तो X=2 कितना आ गया 100 आ गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, दो रेजिस्टेंस है कनेक्टेड इन पैरेलल, अब इनका जो इक्विवेलेंट है वो 6/5 ओम है। अब एक प्रतिरोध को आप क्या करते हैं हटा देते हैं, टूट जाता है यानी कि बेकार हो जाता है, तो अब रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 2 ओम हो जाता है, तो टूटे वाले प्रतिरोध में होगा, तो भाई यहां पर ये आर इक्विवेलेंट होता है 1/R=1/R1+1/R2। अब आर इक्विवेलेंट है 6/5 यानी कि ये 5/6, अब यहां पर बोल रहा है एक प्रतिरोध तार टूट जाता है तो प्रतिरोध 2 ओम रह जाता है, तो ये आपका ये अगर सपोज करो ये R2 टूट गया तो ये 2+1/R2 रह गया,
तो आपको इस R2 की वैल्यू निकालनी, तो R2 निकालने, 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 5 बाई 6 माइनस 1 बाई 2, तो 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू ये 6, 5 माइनस 3 तो 2 बाई 6 यानी कि 1 बाई 3, तो R2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। आपको इस सर्किट में ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो देखो ये ए विभव, यहां पर भी ये ए विभव हो जाएगा, ये बी विभव, तो ये भी बी विभव हो गया। अब ये आपका अगर सी विभव पर होगा तो ये डी विभव पर होगा। चलिए भाई, ए बी के अक्रॉस फाइंड आउट करना है, सी इन बिटवीन है, डी इन बिटवीन है। चलिए ए और सी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा दो, ये रेजिस्टेंस हो गया आ, ये यूज हो गया। ये C और A के अक्रॉस एक और लगा दिया, ये C और A के अक्रॉस एक और लगा दिया R, ये भी यूज हो गया। C और B के अक्रॉस, ये C और B के अक्रॉस ये R लग गया, ये C और B के अक्रॉस ये भी यूज हो गया, ठीक है। और ये B और D, B और D और B और D के अक्रॉस ये दो रेजिस्टेंस लगा दी, ये भी इधर रेजिस्टेंस लगा दिए R और R, ये भी यूज हो गए। अब A और D के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस बचा, तो ये A और D के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस बचा R, तो ये R और R, R by 2, R by 2 plus R कनेक्टेड है सीरीज में, तो ये आपका हो गया R by 2 plus R यानी कि 3 by 2 R, नीचे भी 3 by 2 R, ऊपर भी 3 by 2 R, दोनों पैरेलल में, तो ये 3 by 2 R का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो 3 by 2 का हाफ कितना हो गया, 3 by 4 ये हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 by 4 R। भाई 3 by 2 R ऊपर वाला, नीचे वाला भी 3 by 2 पैरेलल में है, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा, 3 by 4 R हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट, देखिए यहां पर आपको ये सर्किट गिवन है, आपको ये बोला है जब इस चित्र में बिंदु P और M, ये P और M के एक डीसी वोल्टेज स्रोत से जुड़ा गया है, 4 ओम के प्रतिरोध में इसमें जो धारा है वो 1 एम्पियर है, तो M और N, ये M और N के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 1 ओम यहां पर है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा और वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा, ठीक है, ये सेम पोटेंशियल। अब देखिए भाई यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा वही यहां पर होगा, तो इस पे कितना है पोटेंशियल, ये है 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस भी कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, तो इसके अंदर यहां करंट कितना जा रहा है, ये करंट निकाल लेते हैं, तो ये आपका आई करंट होगा। देखो 0.5 कितना हो गया, 0.25 ये हो गया, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका इसके अक्रॉस है वही इस पूरे के अक्रॉस, इस पॉइंट और इस पॉइंट यानी कि पी और एम के अक्रॉस होगा, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 1.25 मल्टीप्लाई बाय आई, तो I इक्वल्स टू 4 अपॉन 1.25, ये हो गया। चलिए करंट ऐसे जाएगा, ये प्लस टू माइनस, ये प्लस टू माइनस, अब पोटेंशियल डिफरेंस Vn प्लस से माइनस, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय I, 4 अपॉन 1.25 इक्वल्स टू Vm, रीअरेंज करेंगे तो Vn माइनस Vm इक्वल्स टू 4 अपॉन 1.25, सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.2 वोल्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अब यहां पर बोला है कि ये जो बैटरी है इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगी वो हमें फाइंड आउट करना है, तो यहां से ये करंट आपके ये आई आ रहा है। अब देखिए ये पॉइंट सेम पोटेंशियल, ये पॉइंट आपका अलग पोटेंशियल पे होगा, तो ये ए पोटेंशियल है, ये ए, तो ये भी ए पोटेंशियल, ये बी पोटेंशियल पे और ये सी पोटेंशियल पे होगा, ये बैटरी कनेक्टेड है। चलिए ए और बी के अक्रॉस, तो ये ए और बी, बीच में सी, सबसे पहले ए और सी और ए और सी के बीच में देखें, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, तो ए और सी और ए और सी के अक्रॉस ये 2 और 6 ये हो गया। अब बी और सी के अक्रॉस, तो ये बी और सी के अक्रॉस ये हो गया 1.5 हो गया। ए और बी के अक्रॉस देखें, तो ए और बी के अक्रॉस ये हो गया हमारा 3 ओम ये हो गया, और ए और बी के अक्रॉस ये बैटरी जोड़ी हुई है आपने 6 वोल्ट की, तो 2 और 6 का सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालें, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 2 प्लस 6 8 4, तो ये आपका 3 बाई 2 यानी कि 1.5 हो गया।
ये 1.5 1.5 सीरीज में 3 हो गया, 3 और 3 कितना हो गया 1.5, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया 1.5 हो गया। अब यहां से जो करंट जाएगा I इक्वल्स टू V कितना है 6 अपॉन R इक्विवेलेंट 1.5, तो ये आपका 4 एम्पियर हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। देखिए आपको ये एक लूप दिया हुआ है, इसमें पूछा है ये आई की वैल्यू क्या होगी, तो भाई जितना आएगा उसको प्लस, जो जाएगा उसको माइनस। तो ये 15 + 3 जंक्शन रूल लगा, तो 15 + 3 प्लस जाने वाला -2, तो ये किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा, तो ये आपका जो है आई की वैल्यू आ गई 16 एम्पियर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, एक 2 माइक्रोफेरेड के संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करके विलकित कर दिया जाता है। जब एक इसे दूसरे अनावेशित संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब सामान्य विभव 40 वोल्ट हो जाता है, तो दूसरे संधारित्र की धारिता होगी। भाई क्या है, ये आपने एक कैपेसिटर लिया हुआ है, इसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड, आपने इसको 200 वोल्ट तक आवेशित किया। अब इसको दूसरा जो चार्ज, दूसरा जो कैपेसिटर है सी, उसके साथ आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जो कि अनावेशित है। अब जब इनका V कॉमन आता है वो 40 आता है, तो V कॉमन होता है C1V1 + C2V2 / C1 + C2, तो ये 2 × 200 + C × 0 / 2 + C होगा, माइक्रो में निकल जाएगा, हमने माइक्रो में यहाँ रखी वैल्यू माइक्रो में, तो आंसर भी माइक्रो में आएगा। ये 0, तो ये आपके यहाँ पर ये 80 + 40 C इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 400 हो गया, तो 40 C इक्वल्स टू हो गया 320, ये कैंसिल, तो C इक्वल्स टू कितना आ गया 8 माइक्रो फेरेड आ गया, तो C की वैल्यू होगी 8 माइक्रो फेरेड, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, एक विलगित आवेश शीत संधारित्र की प्लेटों के बीच रखे एक आवेशित कण पर लगने वाला बल F है। देखो ये एक समान पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में कोई चार्ज Q रखा हुआ है, तो इस पर प्लस Q चार्ज है माइनस Q चार्ज है, तो इस पर जो बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू क्यू ई होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है संधारित्र की एक प्लेट को हटा दिया जाए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अभी वो Q इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 ε0 होगा। अब आप क्या करते हैं, एक प्लेट को हटा देंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी आपका एक फील्ड एक प्लेट के कारण होगा, यानी कि अभी तो जो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, अभी दोनों के कारण है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब आप यहां पर एक के कारण निकालेंगे तो एफ डैश इक्वल टू चार्ज हुई, अब हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 ε0, यानी कि पहले का आधा हो जाएगा, क्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना, क्यू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एफ है, तो ये एफ बाई 2, तो यहां पर जो फोर्स होगा वो आधा रह जाएगा। देखो एक समांतर पट्ट संधारित्र को V वोल्ट तक आवेशित करके बैटरी को विलगित कर दिया जाता है। अब प्लेटों के बीच की दूरी D है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है। अब प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाकर 2D कर दी जाए तो विद्युत क्षेत्र होगा। तो क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, आपको ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, आपने इस पर क्या किया V वोल्ट तक आवेशित करके बैटरी को विलगित कर दिया, यानी कि आपने इसको चार्ज किया V पोटेंशियल तक, चार्ज आ गया Q, कैपेसिटेंस C हो गया। अब आपने जब इसको बैटरी कनेक्ट कर दी है तो इस पर चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो Q इक्वल्स टू क्या होगा CV रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनके बीच का जो सेपरेशन, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब आप क्या कर रहे हैं यहां पर इनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। आप यहां पर जब सेपरेशन इंक्रीज करेंगे तो क्यू पे कोई चेंज नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो ई भी आपका कांस्टेंट ही रहेगा, तो विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है, 1 माइक्रोफेरेड धारिता की एक गोली बूंद समान त्रिज्या की 8 बूंदों में टूट जाती तो प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता होगी। तो देखिए ये एक बड़ी बूंद है, इसकी त्रिज्या आर है, तो इसकी धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, तो 1 माइक्रोफेरेड इक्वल टू होता है 4 πε0 R। अब ये छोटी बूंद में टूटेगी तो 8 बूंदें, तो आयतन वही रहेगा, तो 4/3 πr³,
आठ बूंदे, एक का चार बटे तीन पाई स्मॉल आर क्यूब, ये कैंसिल, तो ये आर इक्वल टू हो गया टू आर, यानी कि स्मॉल आर इक्वल टू हो गया कैपिटल आर बाई टू। अब जो छोटी बूंद है उसकी जो धारिता है वो सी डैश कितनी हो जाएगी, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो सी डैश इक्वल टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर की वैल्यू होगी आर बाई टू, ये वैल्यू आपको दे रखी है वन, तो वन बाई टू माइक्रो फेरड हो जाएगा, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन वन। देखो आपको चित्र में दिखाए गए सभी छह संधारित्र एक समान है, आपको ये फिगर में दिख रहा है, ये ऑल सिक्स कैपेसिटर आर इक्वल वैल्यू, प्रत्येक संधारित्र अपने सिरों पर 200 वोल्ट अधिकतम सहन कर सकता है, मींस ईच कैपेसिटर जो है मैक्सिमम पोटेंशियल 200 वोल्ट सस्टेन कर सकता है, आपने अगर 200 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब ए और बी के बीच में अधिकतम वोल्टेज कितना होगा, तो आप ए और बी के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितना अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए यहां पर ये 200 तो सभी पे 200 लगा सकते हैं, ये सब 200 तो ये भी 200, अब ये सीरीज में आ गए 200 200 तो कितना लगा सकते हैं सीरीज में, 400 लगा सकते हैं, सीरीज में पोटेंशियल एड हो जाएगा, तो 200 प्लस 200 400, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन टू। नेक्स्ट है, धारिता सी के समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के ठीक मध्य में एक पतली धातु प्लेट भी इस प्रकार प्रवेश कराई जाती है कि दोनों प्लेटों के समांतर अब धारिता होगी। देखो आपको दिया हुआ है ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अब इसकी कैपेसिटेंस जो है सी इक्वल टू है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है। अब यहां इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में एक जो है कंडक्टिंग प्लेट जो है जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, ये थिकनेस नेग्लिजिबल इसके अंदर प्लेस करवाएंगे, तो सी डैश कितना होता है, तो ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, तो सी डैश इक्वल टू क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी की वैल्यू नेग्लिजिबल थिकनेस जीरो हो गया प्लस थिकनेस टी और के की वैल्यू इनफाइनाइट ये जीरो, तो वही आ जाएगा सी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धारा आई नियत प्रतिरोध के तार से प्रवाहित होती है तो इसके सिरों पर वी विभवांतर उत्पन्न होता है, तो लोग आई व लोग वी के मध्य ग्राफ होगा। देखिए आपको एक कंडक्टर गिवन है, ये कंडक्टर है ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, नियत प्रतिरोध कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, इससे करंट आई फ्लो हो रही है। अब इसके सिरों पर इसके एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है, तो लोग आई और लोग वी के बीच में क्या ग्राफ होगा हमें प्लॉट करना है। देखिए वी इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है ठीक है, आप बोथ साइड लोग लें तो लोग वी लोग आई प्लस लोग आर, आपको रीअरेंज करें तो ये हो गया लोग आई इक्वल टू लोग वी माइनस लोग आर, ये हो गया लोग आई लोग वी लोग आर, तो स्लोप आप देखेंगे पॉजिटिव है वन और इंटरसेप्ट है नेगेटिव में, तो राइट आंसर हो जाएगा ये, इसको पीछे की तरफ करेंगे तो ये नेगेटिव में नीचे की तरफ इंटरसेप्ट करेगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन वन। आपको इस सर्किट में ए व बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो ये ए और बी हो गया, तो ये ए पोटेंशियल पे यहां से यहां तक, ये भी ए पोटेंशियल पे, ये बी पोटेंशियल पे, ये भी बी पोटेंशियल पे, अब ये सी पोटेंशियल पे होगा, ये भी आपका सी पोटेंशियल पे होगा, ये यहाँ पर सी पोटेंशियल, ये भी सी पोटेंशियल, और ये भी क्या होगा सी पोटेंशियल पे होगा, तो ये ए सेम पोटेंशियल, ये सी ये सी ये सी ये हो जाएगा ठीक। देख आप इसको पोटेंशियल मार्किंग टेक्निक से थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ए ये बी और ये सी, सबसे पहले ए और सी के बीच में ये कैपेसिटर लगा देते हैं, ये कैपेसिटर लग गया सी, फिर आप इस सी और ए के बीच में एक और लगा देते हैं, तो ये सी और ए के बीच में ये भी लग गया, ये भी यूज हो गया, ए और सी के बीच में ये भी लग गया एक, ये भी लगा दिया आपने सी, इन तीनों का यूज हो गया, ऐसे बी सी बी सी बी सी तीन और लग जाएंगे, ये बी सी बी सी ये बी सी तीनों लग गए, सबकी वैल्यू सी, तो सी बाई थ्री सी बाई ये सी 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 बाई थ्री, ये भी सी बाई थ्री, तो ये आ गया 2C/3। तो भाई हमने ये जो है इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया सी 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 सी, तो सी 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 कितना हो गया, तीनों पैरेलल में है तो पैरेलल में कितना हो गया 3C 3C, ये भी हो गया 3C 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 3C, कितना हो गया 3C/2 सीरीज में हो गया, यानी कि 1.5C हो गया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन।
नेक्स्ट है आपको ए और बी के अक्रॉस सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो देखो ये ए, तो यहां पर भी ए पोटेंशियल, ये भी आपका ए पोटेंशियल, ये बी, तो ये भी बी पोटेंशियल। अब आप ए और बी के अक्रॉस देखें, तो ये ए और बी के अक्रॉस, ये ए और बी के अक्रॉस सी, सी और सी तीनों कनेक्टेड है सीरीज में, तो ये तो हो गया आपका सी बाई थ्री। और बी और ए के अक्रॉस में ये एक और कनेक्टेड है सी, तो पैरेलल में आ गए, तो सी प्लस सी बाई थ्री यानी कि फोर सी बाई थ्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। आपको ये एक दिया हुआ है, एक संधारित्र पर आवेश Q विभव V के साथ परिवर्तित होता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया, जहां Q X अक्ष है तथा V Y अक्ष है, तो त्रिभुज OAB प्रदर्शित करेगा। तो त्रिभुज OAB प्रदर्शित करेगा, ये जो त्रिभुज AOAB है इसका एरिया क्या प्रदर्शित करेगा। तो चार्ज Q ऑन कैपेसिटर वेरीज विद वोल्टेज V एज शोन, as shown in figure where Q is taken along the x-axis and V along the y-axis. So the area of triangle OAB represent. तो त्रिभुज OAB का जो क्षेत्रफल है वो क्या प्रदर्शित करेगा? तो ये वाला जो क्षेत्रफल होता है, ये होता है आपका एक बटे दो आधार Q, बेस Q और ये हाइट V। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र में संचित ऊर्जा को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट, एक विभवमापी तार की लंबाई 4 मीटर एवं प्रतिरोध 10 ओम है। यदि 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल से जुड़ा है तो तार की प्रति इकाई लंबाई में उत्पन्न विभवांतर होगा, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो देखो आपको ये, आपको एक सेल गिवन है, ये 2 वोल्ट विभव का। अब इसको एक विभवमापी तार है, ये विभवमापी तार की लंबाई 4 मीटर है और इसका प्रतिरोध 10 दिया हुआ, तो आपको इसकी प्रति इकाई लंबाई में उत्पन्न विभवांतर निकालना है यानी कि फाइ। तो V इस ए ए बी और इसकी लंबाई L, V ए बी कितना है 2, V ए बी कितना है इसके पूरा का पूरा ये 2 वोल्ट इस पर आरोपित हो जाएगा अपॉन 4 लंबाई, तो ये आपका 1/2 यानी कि 0.5। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 0.5 वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, प्रतिरोधों को आपस में बदलने से मीटर सेतु का संतुलन बिंदु 10 सेंटीमीटर बाईं तरफ खिसक जाता है। अगर आप यहां पर जो दोनों गैप है उसमें प्रतिरोध जो होते हैं उनको आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो जो संतुलन बिंदु है अगर पहले एल पे है तो वो बाईं तरफ 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। इनके श्रेणी क्रम संयोजन का प्रतिरोध 1 किलो ओम है, तो ये जो दोनों प्रतिरोध है R1 प्लस R2 ये है 1 किलो ओम यानी कि 1000 ओम है, ये समीकरण नंबर 1 होगी। अब प्रतिरोधों को बदलने से पहले बाईं तरफ के खांचे का प्रतिरोध कितना था? तो बाईं तरफ मैं मान लेता हूं R1, तो ये जो R1 और R2 जो होगा अगर इसकी पहले वाले की लंबाई L है तो दूसरे वाले की कितनी होगी? 100 माइनस L हो जाएगी, ये समीकरण 2 होगी। अब आप इनको एक्सचेंज करेंगे तो ये R2 अपॉन R1 ये इधर की तरफ शिफ्ट होगी, तो ये होगी L माइनस 10, तो ये कितनी होगी 100 में से माइनस L माइनस 10 ये हो जाएगी। तो R2 अपॉन R1 ये आपका L माइनस 10 अपॉन ये हो गया 110 माइनस L हो गया। अब आप ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सोल्व करें, तो R1 अपॉन R2 ये तो हो गया L अपॉन 100 माइनस L R1 अपॉन R2 ये हो गया। यहां पर भी R1 अपॉन R2 करें तो 110 माइनस L अपॉन L माइनस 10 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया L स्क्वायर माइनस 10 L, इसको 100 से इससे करें तो 110 इंटू 100 ये हो गया, माइनस 100 L ये हो गया, तो 100 ये हो गया माइनस 100 L, ये इससे करेंगे तो माइनस 100 L और ये हो गया प्लस L स्क्वायर कैंसिल, ये आपके इस तरफ आएगा तो 100 200, तो ये आपका 200 L हो जाएगा, 110 मल्टीप्लाई बाय 100 ये इससे कैंसिल, तो ये जो L की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 55 सेंटीमीटर आ रही है।
55 सेंटीमीटर आ रही है, L. तो R1 और R2 जो है उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1 अपॉन R2, ये 55 अपॉन 45 का रेजिस्टेंस आ रहा है। तो आप इसको 1000 को जब डिवाइड करेंगे R1 अपॉन R2, तो ये इक्वेशन वन और ये इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर फोर, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा है, टोटल कितना है 1000 है, तो जो सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ये है आपका 11:9, तो 11:9 में सोल्व करेंगे तो ये आएगा 550 किलो ओम। तो ये हमारा जो है टेस्ट नंबर 11 जो है फिजिक्स इको का, यहां पर ये सॉल्यूशन ओवर होता है। थैंक यू, जय श्री।